लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मीन टू ईदर डेनिग्रेट एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशन हूसोएवर व्हिचसोएवर व्हेयरसोएवर और द मोस्ट ऑनरेबल जुडिशरी। मुंबई सपनों का शहर, रोज बनने रोज टूटने वाले सपने। और ये वो सपने नहीं है जिन्हें बंद आंखें देखती हैं, ये वो सपने हैं जो जागती आंखें देखती हैं, ये वो सपने हैं जो सोने ही नहीं देते यार। शायद इसीलिए ना ये शहर ना सोता नहीं है, कभी जागता फिरता है अपने सपनों को पूरा करने की फिराक में। वैसे ये भी सुना ही होगा आपने कि ये मुंबई शहर हादसों का शहर है, पर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे मुंबई का इंट्रो देने के चक्कर में मैं अपना इंट्रो तो देना भूल ही गया। मैं रघु और मेरा भी मुंबई से वही वाला कनेक्शन है, सपनों वाला। लेकिन अगर इस कनेक्शन का डिस्कशन मैंने अपनी मम्मी पापा से किया होता ना तो वो मुझे मुंबई कभी ना आने देते। लेकिन जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद वो मुझे रोक भी तो नहीं पाए। पर जेवियर्स कॉलेज तो एक बहाना था, मुझे तो बस बजाना था, मतलब गाना बजाना था। एक ही साल में कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का बन गया था मैं। अब ऐसी सिक्स पैक बॉडी देख के कौन सी लड़की फिदा ना हो। अब इसे ही देख लो, मेरे मकान मालिक की बेटी है और रोज मेरे घर के बाहर मेरा ब्रेकफास्ट छोड़ जाती है। छह अंडों का ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट ऑन द हाउस है, बस वही देने आती है और कुछ मत समझना। रोज बदले में मैं उसको एक लव सॉन्ग भेजता हूँ। आज के लव सॉन्ग में उसको भेजा एक अल्टीमेटम। तेरे गांव आया नंगे मैं तो पाँव आया, हार्ट बीट चढ़े मुझे रोज सुबह देखूं तुझे, अंडे तू खिलाती है, पास भी नहीं आती है तू दूर भी नहीं जाती है। मैं तेरा दीवाना नहीं, तू मेरी दीवानी नहीं, तेरा मेरा टांका भिड़ा किसी को बताना नहीं। स्वीट तेरी बोली है सामने मेरी खोली है, मैं तेरा पंजाबी मुंडा क्यों यार? अल्टीमेटम गया फुस। What? पर हम भी हार मानने वालों में से कहां थे? दिल तोड़ दिता। हमने किया थोड़ा सा नाटक, खुल गया उनके दिल का फाटक। ओके सिक्स पाली हिल पार्क। ओके लड़की ने मिलने का टाइम और जगह दोनों बता दिया। अरे जियो मेरे राजा, हंसी तो फंसी, मुस्कुराई तो बगल में आई। सर आप तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े रैपर बन गए सर, जगह जगह से पूरा रैप के शोज के लिए सर मैंने 10 लाख रुपए की प्राइस भी बोल दी। 25 लाख लेंगे हम। सर 25 लाख बहुत ज्यादा है सर, 10 में मान जाइए सर। बोला ना 25 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। लाइफ भी आज ही की तरह है बॉस, रोज सुबह एक रियलिस्टिक थप्पड़ मार के आँख खोल देती है। आँखें खोल और देख, 25 नहीं 50 रखे हैं। सुबह सुबह थप्पड़ मारना जरूरी है आज ही? सुबह सुबह सपने देखना जरूरी है? सपने नहीं देख रहा था, जो होने वाला है ना वही देख रहा था। सत्यानाश होने वाला है, देखना। मैं अभिषेक रोज एक ही सपना देखता हूँ कि मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड रघु इंडिया के सबसे बड़े रैपर बन गए हैं। आजकल के बच्चे कैसे नए नए शौक पालते हैं, रैपर बनेगा रैपर। आजी भा उठला का हो? उठला
तू ही जाके उससे पूछ उसके सर पे किसका भूत सवार है। मतलब? जा जा पूछ। अब मैं आजी को कैसे समझाता कि जिस एक्सप्रेस हाईवे पे मैं और रघु निकल पड़े हैं उसमें दूर तक कोई यूटर्न नहीं है। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए नहीं मैं नहीं छोड़ा। बस क्या जी इतनी जल्दी हार गई। अरे अपना भी टाइम आएगा। ये बच्ची नहीं होती थी ना तो मैं तुझे और ये घर को छोड़ के कब की चली जाती। क्या जी ऐसे ब्लैकमेल नहीं होने वाला मैं। ये राजमा चावल उस पंजाबी के साथ तू पूरा दिन क्या करता है। आजी जय वीरू की अपनी जोड़ी थोड़े से भी जाए ना थोड़ी। हे देवा इनको अक्ल दे थोड़ी। एक है अंधा और दूसरा है कोड़ी। हाँ, चलो ओके मैं भाग रहा हूँ बाय। अरे कहाँ जा रहा। नाश्ता करने पंजाबी के साथ। मुंबई में खुद के बलबूते पे कुछ बनना है तो स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। हर सुबह खुद को मोटिवेशन का यही डोज देके निकल पड़ता हूँ अपनी बाइक पे और मुझे सी ऑफ करने के लिए वो हमेशा बालकनी में खड़ी होती है। वो क्या है ना दिन अच्छा निकलता है। ये राजमा चावल पंजाबी और मैं रोज सुबह अपनी स्ट्रगल पे जाने से पहले अपने आलीशान ऑफिस में मिलते थे और अपना सपना पूरा करने के लिए स्ट्रगल प्लान बनाते रहते थे। जल्दी आजा भाई इटली इज वेटिंग फॉर यू ब्रदर। Yo bro, what's up? Good brother, what's up? देख ली दे। यार मेरे समझ में नहीं आता ये 6 अंडे खाने के बाद इडली कोई कैसे खा सकता। समझ तो मेरे भी नहीं आता कि आजी के हाथ का खाना खाने के बाद कोई इडली कैसे खा सकता। अरे यार आज तो नाश्ता किए बिना ही आ गया। क्यों आजी के हाथ का बना नाश्ता मैं तो ना छोड़ता भाई तेरे लिए। बेटा जब नाश्ते के साथ लेक्चर मिलेगा ना बड़ा सा तो तू भी छोड़ के आएगा। लेक्चर? जिंदगी बर्बाद मत करो ये टाइम वापस नहीं आएगा वगैरह वगैरह। वो भी अपनी जगह ठीक है यार 3 साल हो गए यार टाइम आगे बढ़ रहा है यार हम लोग वहीं रुके हुए हैं। अंकल का कॉल आया। मैंने तो फोन ही उठाने बंद कर दिए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं वापस मोहाली चले जाऊं। तू पागल हो गया क्या? तू टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा भाई सब। अबे अभिषेक 3 साल हो गए यार। अभिषेक 3 साल हो गए तेरे को बोलते बोलते कि मत बोला कर मेरे भाई मत बोला कर कभी कुछ ठीक नहीं होता। इमेजिन कर एक बार रैपर अभिषेक नायक चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां राइट साइड वाली चिल्ला रही हैं लेफ्ट साइड वाली चिल्ला रही हैं अभी मेरी मी और मैं मुझे भूल गया। अरे भूला नहीं हूँ याद है पर तू ऑलरेडी बुक्ड है ना अंडे वाली के साथ। अच्छा एक बात बता कुछ बात बात आगे बढ़ी कि फ्री में अंडे खाए जा रहा है। कहाँ तक बढ़ी चल अब बता। आज पहली बार तेरा भाई मिलने जा रहा है। क्या बात है पर यार बहुत फट रही यार। अबे क्यों फट रही है लड़की से तो मिलने जा रहा है कितना हट्टा कट्टा नौजवान है। वो क्या कहते हैं तुम्हारी पंजाबी में टोटा है टोटा। अबे टोटा वोटा तो वो है पर उस टोटा को घुमाने का लेके जाऊं कड़की भी चल रही है यार। वॉक एंड टॉक खुली हवा में वो भी रोमांटिक होता है भाई। कब तक चलेगी ये वॉक एंड टॉक खुली हवा में कब तक। टिल वी बिकम स्टार्स और वो बड़ा दिन ना आज है। भीमन याद है कौन। अरे वही लल्लू जो ऑक्टोपस जीता था भूल गया। हाँ वो टकला। हाँ वही टकला अपनी पहली एल्बम रिकॉर्ड कर रहा है प्रियम के साथ। वो टकला। हाँ वही टकला और उसने बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी में अपनी पहचान से उसके एमडी से हमारे लिए बात भी की है नंबर भी दिया। बात हुई? क्या बोला? 2 घंटे बाद जाना है उसके ऑफिस में मिलने। और क्या? तो चल ना इधर क्या बैठ के इडली खा रहा साले। चल 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 चल। हाँ हाँ काम की बात तुझसे करवाओ मत बके करवा लो। चल चल आ रहा हूँ चल। हेलो मैम आई एम अभी एंड दिस इज रघु एंड वी आर हियर टू मीट मिस्टर शाह। यहाँ तो कई सारे शाह आपको कौन से शाह से मिलना है? कौन से शाह से मिलना है हमें? यार अभिषेक यार क्या करता है यार। एक मिनट तेरे को सरनेम याद है सर का नेम याद ही नहीं है क्या है? कोई बात नहीं मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। हाँ प्लीज। हाँ कृष्णा शाह राजेश शाह सौरभ शाह देवेंद्र शाह अजय शाह। यस 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 अजय शाह। अजय शाह द मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या बात है। यस यस मैनेजिंग डायरेक्टर।
ओ हाँ, आपका 2 बजे का अपॉइंटमेंट है। अरे 2 ही तो बज रहे अभी। जाइए, yes. आपका इंतजार हो रहा है। थैंक यू। मे आई कम इन सर? अरे एक बार एक गाना हिट हो जावे तो सिंगर की लाइफ सेट हो जावे। हाँ, भेजो भेजो, हूँ कहीं करूँ छू। हाँ, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। हाय सर, आई एम अभी। आई एम रघु। बोले सर, बस कुछ ट्रैक सुनाने थे सर आपको। सबेरे से ट्रैक सुन सुन के क्रैक हो गया हूँ। और करना है क्या? क्या सर? क्रैक और क्या? सर हमने रैप म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया सर। रैप रैप? हाँ सर। रैप? ये नहीं, हा? नहीं, ये रैप मुझे पसंद नहीं है सर। रैप नहीं, रैप। हाँ, रैप 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 रैप। अरे हाँ बाबा, हाँ मैं समझ गया, समझ गया, लेकिन रैप मुझे पसंद नहीं है। और इसका वीडियो बनाया क्या सर? ये वीडियो बनाने का बजट क्या होगा? वैसे कंपटीशन बहुत है तो 15 के नीचे में कुछ नहीं होगा। ले 15? 15 यार, 15,000। अरे 15 लाख से कम में कुछ नहीं होगा। 15? सर आप एक और गाना सुनिए, धासू। नहीं बाबा नहीं, सर, मुझे तीन चार ट्रैक और हैं। आप सर मेरी, चलो निकलो। सर मेरी बात तो सुनिए सर। कोई कोई धासू बासू गाना नहीं सुनना। एक गाना सर। चलो भाई सर, एक चांस सर, प्लीज सर, मुझे रेप नहीं कराना। निकलो, आई डोंट वांट टू डू रेप। चल हमें भी अपना रेप नहीं करवाना। भाव अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हुए बीच बीच में ऐसे नमूने मिल ही जाते थे, पर हम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। एक दूसरे को हमेशा याद दिलाते रहते थे कि स्टारडम का रास्ता इतना आसान नहीं है भाई, कि सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल गया। पर हमें भरोसा था कि एक ना एक दिन हमें भी जरूर कोई ऐसा मिलेगा जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। बस तब तक एक दूसरे का हौसला बनाए रखना है और फिलहाल अपनी डेट के लिए ज्यादा लेट नहीं होना। जल्दी उतार। इतनी क्या जल्दी मचा रहा है भाई, डेट पे ही जा रहा है। ठीक है, डेट हाँ, पे डेट पे ही जा रहा हूँ, पर पहली डेट पे लेट जा रहा हूँ। हाँ ये भी है। अच्छा सुन। हाँ बोल। भाई पहली डेट पे जा रहा है, पहली डेट पे रेप करियो, रैप मतलब रैप करियो, रेप नहीं। चल साले, भाभी के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ। चल चल, बस आगे मेरी, ऑल द बेस्ट, निकल। ये सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं, इनके चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। मैं ही पागल हूँ, एक तो इतना लेट, ऊपर से कोई फोन कॉल भी नहीं। भाई मुझे लग रहा है क्या करूं मैं यहाँ पे। अरे बोर हो रही है बेचारी, लगता है इसको किसी ने उदास कर दिया है। भाई क्या लग रही है भाई, परेशान है तो परेशानी दूर कर देते हैं भाई। हाँ। देख यार क्या मटक मटक के चल रही है यार, ओए लाल छड़ी मैदान खड़ी। ओ चिंटू भी आ रहे, भाभी है रे तेरी, देख रे आए भाभी। इतनी मस्त लग रही यार, यार दिल में ना घंटियां बज रही घंटियां। अरे यार मजा आ गया, गजब हो गया यार। अरे शीतल 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 सुनो तो सीना, एक तो ट्यूशन बंक करो, चोरी छुपे यहाँ पे आओ, और फिर ये आई एम सॉरी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कभी लेट नहीं आऊंगा। अगर मेरा रेप हो जाता तो? नहीं ये रेप मुझे पसंद नहीं है। क्यों? तुम पागल हो क्या? Just don't talk to me. अरे अरे शीतल वो बात नहीं है, शीतल शीतल मूव, शीतल मेरी बात सुनो। I don't wanna listen to you. मैं कहीं पे फंस गया था, प्लीज 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 बात तो सुनो। हाय ये तेरिया दवा ना दवा च डुबदा मैं जावा, एक गल मैनू दस नी तू, गल मैनू दस नी तू, गल मैनू दस, क्यों तू इन्नी सोहनी लगे, बाकी कुड़ियां कुछ नी तेरे अगे, तेरे पिछे नी मैं जावा, तेरी गेड़ियां लावा, तेरी गेड़ियां लावा। रुक मुटे यारे मैनू तेरा नाम दस, वो कहंदी पहला तेनू की हैगा काम दस, तेरे अगे पिछे घूमना, तेरी अखां च डुबना, सारे मित्रां दे काम।
तेरे नाल होया प्यार मेनू भाभी कहंदे मेरे यार तेनू तेरी अखा विच कुछ जिन्ने लिया लुट ए जट दा पुत गल मेरी सुन मैं दोबारा नहीं ओ बोलदा मारा तेरी गेड़ी पावे महंगा पटरोल वा क्योंकि तू ही तू मेरे खाबा च तेरा नाम लिखा अपनी किताबा च हाय नहीं तेरिया दावा ना दावा च डुबदा मैं जावा एक गल मैनू दस नी तू गल मैनू दस नी तू गल मैनू दस गेड़िया लावा तेरिया चौबी घंटे कन्ना बिच रहने गल्ला तेरिया तेनू रोज देखा शामी ट्यूशन जांदी नू तू मैनू दस मैनू देख के शर्मांदी क्यों बाकी कुड़िया नहीं सी मेरी टाइप दी करिए वीडियो चैट आई डी दस स्काइप दी मेरे नाल उठ चल सैर करा मस्काई दी क्योंकि तेरा यार ऑलमाइटी हाय नहीं तेरिया दावा ना दावा च डुबदा मैं जावा एक गल मैनू दस नी तू गल मैनू दस नी तू गल मैनू क्यों तू इन्नी सोहनी लगे बाकी कुड़िया कुछ नी तेरे अगे तेरे पिछे नी मैं जावा तेरी गेड़िया लावा तेरी गेड़िया लावा एक गल मैनू दस मैं तेनू पसंद या नहीं छेती मैनू दस मैं तेनू पसंद या नहीं एक गल मैनू दस मैं तेनू पसंद या नहीं छेती मैनू दस मैं तेनू पसंद या नहीं तू है मतलब जिसे मैं टाइम पास रोमांस समझ के चांस मार रहा था वो लाइफ टाइम जीने की वजह जीने का बहाना बनती जा रही थी। जब तक वो साथ होती जिंदगी सुर में होती और जैसे ही वो चली जाती जिंदगी का सुर ही बिगड़ जाता। वो मेरी फेवरेट हेलो और हार्डेस्ट गुड बाय बनती जा रही थी। दिल ने वर्डिक्ट दे दिया कि यही है वो, पर क्या मैं इसके लिए रेडी था? इस कुड़ी और कैरियर की जंग ने मुझे ऐसा शेक किया कि मैं अभिषेक को तुरंत लेके पहुंच गया स्ट्रगलरों के मक्का में। हाय सर, अभी। हाय सर, आई एम रघु। हाय, सिट डाउन, बैठ। तो नाउ सर, यहाँ बाहर देगा? यहाँ सपने शाहरुख और सलमान से भी बड़े हैं। सबको एक मौका चाहिए अपनी तकदीर आजमाने का। अरे सुनाओ सुनाओ, अपना ही होटल है। ठीक है सर, निकाल। रेडी सर, लगा दे। तू मेरी आंखों में, तू मेरी सांसों में, तू मेरी धड़कन में, तू मेरी आहों में, तू मेरी बातों में, तू मेरी यादों में। अभी जाब आ मेरी बाहों में। मेरी बाहा च तेरे पैर दे निशान मेरे राहा च तेरे पीछे ले आए। क्या हुआ सर, अब सुन भी रहे गाना? अरे कान से सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ गया। कुछ और सुनाओ यार, थोड़ा रोमांटिक बजाओ, थोड़ा रोमांटिक। हाँ सर। हाँ कम ऑन। जीवा उदा जिदा कोई ना जीवे, मिलो आके मैनू कहती देखदा की वे तेरी ड्रेस करे मैनू इंप्रेस। मैं करा इनवेस्ट ते मैनू इंटरेस्ट जो तू चाहे मिलो तेरे लिए मैं लेके आवा तकवाला वीजा तेनू चन्न ते मैं लेके जावा तेनू की लगता है। क्या हुआ भाई, बंद क्यों किया? बजाओ बजाओ। सर पहले आप बजा लो, हम तो बजाते ही रहते हैं। रघु तुझे क्या हुआ अभी? तू क्या ऐसे बाहर आ गया? अबे वो हमारा गाना सुन रहा था, लड़कियों की जांघें देख रहा था वहां बैठ के। ये पिछले वाले को हमारा रैप भी रेप लग रहा था और ये हमारा रैप सुन तो ये भी रेप के बारे में सोच रहा था। चल छोड़, अपने पास एक और फाइनेंसर है ना, चल चलते हैं।
कुछ कोला वेड़ी डी टाइप का है। वाय देश कोला, सबको बस ट्रेंड फॉलो करना था। ऐसे में हम जैसे आर्टिस्ट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान आखिर बनाते भी तो कैसे। वाय दिस कोला बेड़ी डी। बस कर, अंडे वाली की याद आ रही है क्या? तू अपना काम करना, क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है? इमोशनल इमोशनल। अच्छा छोड़ छोड़, चल काम की बात सुन। दो फाइनेंसर से बात हुई है, वो पैसे देने को तो रेडी हैं, पर बोल रहे हैं उसके बदले रखवाने के लिए क्या है तुम्हारे पास? उनको बोल यार, रखवाने के लिए होता तो उनके पास क्यों आते हम? हाँ यार, मतलब हमारी गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ेगी। गेम ओवर। क्या गेम ओवर लगा रखा है? 3 साल से जो इतनी मेहनत क्या करेगा, कहां से लाएंगे 15 लाख? अभिषेक, अगर 1 महीने में कुछ नहीं हुआ ना तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। तो तू चला जाएगा? हाँ, और मैं, मेरा सोचा है आजी का, मेरी बहन के बारे में सोचा है? अबे हम सब एक ही आस लगाए बैठे हैं कि हम स्टार रैपर बनेंगे, अपनी एल्बम लॉन्च करेंगे। तेरे जैसा पट्टा अगर डर गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? तेरे अलावा कौन है मेरा, बता। और तू टेंशन मत ले, सब ठीक। उप्स, संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। मैं सच कह रहा हूँ अभिषेक, अगर 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ ना तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। रघु किधर जा रहा है? मरने। देख, तेरे को मेरी जितनी लेनी है ना तू ले ले, पर मरने की बात तू दोबारा नहीं करेगा, समझा? जा सकता हूं? तू यही कर, मेरे सामने, मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, यही कर। तू पागल हो गया है? यहां तेरे सामने करूंगा? पीछे जा रहा हूं अंधेरे में। कार है, बाहर तो खड़ा हो सकता हूं, बात तो कर सकता हूं। ओनली टॉकिंग नो लुकिंग, कम सून। वैसे रघु, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमें अभी तक ना कोई सिंगिंग काउच वाला नहीं मिला। सिंगिंग काउच? हाँ हाँ, जैसे कास्टिंग काउच होता है वैसे सिंगिंग काउच भी तो होता होगा ना। वैसे भी हम किसी हीरो से कम थोड़ी लगते हैं दोनों। रघु, 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 तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता रघु। अभी मुझे तो लगा तू अपनी धार में ही बह गया। ये लाइट बंद कर रहे है, बिल क्या तेरा बाप भरेगा? भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाई साहब, हमें छोड़ दो। ये छोड़ूंगा नहीं रे, फोड़ूंगा। क्यों? अरे मैं इधर मूड में बैठा था रे, तू कुत्ते की माफक टांग उठाकर मेरे थोपड़े में मुतने आया। पर अब वो कौन? मार ले। मार ले? नहीं सर, हम ऐसे आदमी नहीं है। ए, मेरा नाम है रे, बॉब मार्ले। अभिषेक, सीधा खड़े ना रे। ए चोर, मिट्टा मक्खन कहाँ है रे? अभी बॉस है। बॉस हमेशा आखिर में आते हैं, फिल्में नहीं देखते क्या? अब आप कौन हो? ओए, मैं वो हूँ जिसे मारने तुम दोनों आए हो, जिद्धा। सर, मैं यहाँ मूतने आया। हाँ बॉस सर, हम आपको मारने नहीं आए, आई ची शपथ। आज अगर किसी की लाश गिरेगी तो वो होगी शेरा की। ऑल तेला ने ऑल आदमी बेच दिया तो? वो शेरा आ गया। अबे गली में छुप लो, चल जल्दी। क्या मतदान? ओए सुनो, मैं जाके शेरा से बात करके आता हूँ, ठीक है? और तुम लोग यही छुपे रहना। जी जनाब। ओ जिद्दा, किद्दा? पाजी कोई गल करनी थी तुम्हारे नाल। ओ तू तो क्या सी कि तू बड़ी मुसीबत में फंसया है। पाजी देखो, गल आएगी कि मुंबई के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के
कल्ले बादशाह आप ही हो। वो तो है। बाजी आपकी और मेरी रगों में खून तो एक ही है ना, तो फिर मुंबई ट्रांसपोर्ट दे, कल्ले बादशाह आप पे ही क्यों? मैं क्यों नहीं? जिद्दा, ये लफ्ज बोल तो तू रहा है लेकिन है किसी और के। किसके हैं ये लफ्ज? मेरे मुंह से निकल रहे हैं तो ये मेरे ही हुए ना। ओए सुन जिद्दे। ओ बाजी, ये तो सदियों से होता आ रहा है कि भाई ने भाई का खून किया तब जाकर गद्दी हासिल की उसने। बंद करे बकवास। चीख ला बाजी, जिन्ना भी चीखना हैगा आ जाते चीखे ही गुंजनगी। हुण देखो तेरे ही चीखा। शेर के शिकार के लिए चूहे लेकर आए हो? बाजी चूहे नहीं आएंगे ने, अपने अपने शहर दे छट्टे हुए पूरे के पूरे 10 नंबर ही आएंगे ने। वो क्या है ना, मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जाता। आप आखिर मेरे प्रा हो। तुम भाई हैं? क्या फौज इकट्ठी की है तुमने? पाजी आपने भी तो कम फौज इकट्ठी नहीं की है, वो भी है चूहे के बच्चे। कौन है ये? ये दो बच्चे ये मेरे बंदे लगते हैं क्या? जाने दो इनको, मैं तो बिल्कुल अकेले आया हूँ। मतलब ये सच बोल रहे थे? नहीं नहीं पाजी, अब नहीं छोड़ सकता इनको, इन्होंने बहुत कुछ देख लिया। जिद्दा मेरी गल सुन, खून के दाग मिटते नहीं, फैलते रहते हैं, बेकसूर हैं ये बच्चे। जाने दे इनको यार, जाने दे। जान लेनी है मेरी ले। आपको तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, और रही बात इनकी, इनका तो मैं बाद में गला काटूंगा। टिड्डा निक्के मक्खन। तो ठीक है, आ जाओ पुत्रो। ओ प्राय मेरे, मार ले, दुश्मन सामने खड़ा है, मार ले। आज आपको खुश कर दूंगा पाजी। मामला अब सीरियस हो रहा है, तो क्या करें? और इनो शेरा की मौत आई ना मेरे हाथ से होंगी। और आज के बाद ये हाईवे के बादशाह आप होंगे, और इनो शेरा है ना हाईवे के नीचे जाएगा। ओ कंजरा, सारी गोलियां हवाई चला देनी है, और जत्थे चलानी उत्थे चला मायवत। गोलियों की गिनती भूल गया, अब मार ले। ओ बस करो बाजी, हुण बहुत हो गया तोड़ा खेल कूद। मैनू लगता है तुहानू मैनू ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। निकलना है। जिद्दा पागल हो गया क्या? कुछ करना है। अबे हथियार है उनके पास। तोड़ी थे मैं बाजी। भाई अब रहा ना भाई, बनने चल रहा है कसाई। किस्मत अपनी चल रही फूटी, आज एक देखी हड्डी टूटी। कितना हरामी, कितना हरामी। खा भाई मेरे तू, हाथ की सलामी भैया, हाथ की सलामी। ये हमारी जिंदगी की सबसे रद्दी सिंगिंग परफॉर्मेंस थी, पर उस समय तो यही देख रहा था कि अपनी जान बचानी है तो शेरा की जान बचानी पड़ेगी। कितना वाला रे, अब तू भी आजा बेटा। हेलो पुलिस अंकल, हमारी जान बहुत खतरे में, जल्दी बांध रहा कोर्ट पे आओ। अरे कोर्ट नहीं बोला भाई, कोर्ट बोला। तुम्हें मजाक कर रहे के ड्यूटी कर रहे, लोग आगे जाना चाहती आते क्या? थानेदार कितो आ गए ने? पाजी भाई बुलाया ना, वो क्या है ना, गोलियां खलास हो गई थी, इनो कानून अपने हाथ में ले रहे थे ना, इसलिए बुलाया पाजी। बोलो सब लोगों को, कोई भागने ना पाए। इधर ले, इधर। तूने बुलाया पुलिस वालों को? हाँ पाजी। खोते सारा प्लान मेरा चौपट कर देता तू।
पाजी ये सब मैंने आपके लिए क्या मेरे पाजी? लिए किया है? हाँ पाजी वेख उधर फिर वेख भाग। ओए जिद्दे अब भी वक्त है तुझे बचा सकता हूँ तेरे पीछे कौन है बता दे उनके नाम क्या ड्रामा चल रहा है ये इंस्पेक्टर साहब ये कमीना गुंडे लेके आया था अपने ही भाई को मारने के लिए अंदर कर दो इस कमीने को पकड़ो इसे दो दिन ने चलो दो दिन पाजी बहुत आना आना तुम दोनों या तो बहुत ही बहादुर हो या बहुत ही बेवकूफ दोनों में फर्क ही क्या है सर जिगर है तुम दोनों में जिगर ओ पाजी ध्यान से पाजी पाजी इस हालत में तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे हम आपको घर छोड़ देते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी खोल चल ठीक है मनु ट्रक यार छोड़ दो जंदे रहो बढ़िया हमरा पाजी कितना कमीना भाई मिला आपको बुतर आदमी जितना ही कामयाब होता है उतने ही दुश्मन उसके सामने खड़े होते हैं ऐसे ही 20 साल पहले एक दुश्मन की नजर मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी पे पड़ी गाड़ी में पाजी ने हमें अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने पुश्तो से मिले एक छोटे से ट्रांसपोर्ट बिजनेस को इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में से एक बना दिया बहुत बड़ा ट्रक यार्ड है ये सारे ट्रक्स आपके हैं हाँ कुछ यहाँ बाकी हाईवे पर गद्दी हथियाने का जुनून अपने खून को भी मैला करता है ये सब पाने के लिए आज जिद्दा ने मेरी जान लेने की कोशिश की क्या पाजी मुझे पता है आपने उसको माफ कर देना पर मैं साले को माफ नहीं करूंगा देखना उसकी जुत्तियों के साथ बरात निकाल के चुप ओए ठंड रख अब वो पुलिस की गिरफ्त में है संभाल के इन दोनों ने मेरी जान बचाई वरना मेरा तो बैंड ही बच जाता भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा है गॉडफादर पाजी पाजी क्या हो गया आपको अरे पाजी के घुटने पे चोट लगी है फर्स्ट एड किट लाओ डॉक्टर को फोन करो यार जल्दी मैं अभी डॉक्टर को जल्दी जाइए अच्छा डोए बैठो जी सर बैठो पुत्रो बैठो हेलो पाजी अब पाजी की जान बचा के कितना बड़ा काम किया है ना तुम दोनों को खुद को नहीं पता शाबाश यार ओफो अरे एक दो टिका लो सारा दर्द रफा दफा हो जाएगा नहीं नहीं पाजी पाजी अब हम दोनों निकलते हैं आपको बस सही सलामत पहुंचा दिया बस सुबह उठ के लग जाना है काम पे मैंने तो पूछा ही नहीं करते क्या हो तुम पाजी हम दोनों ना सिंगर हैं जी पाजी वैसे हम दोनों रॉक स्टार्स से कम नहीं अच्छा? है आप दोनों में टैलेंट है बिल्कुल है पाजी जहाँ मौका मिल जाएगा ना पाजी फट्टे चक देंगे फट्टे तो दिया मौका तुम दोनों चबी की शादी में गाओगे सर क्या बात पर ये चबी कौन है चबी मेरे दिल का एक टुकड़ा है और पाजी के पाले हुए कई अनाद बच्चों में से एक है वो मैं भी तो हूँ एक पर चबी मेरी तरह खोता नहीं है MBA 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 पाजी फिर अब बस चब्बी की शादी की फिक्र छोड़ दो अच्छा? हम उसकी शादी में चार चांद लगा देंगे चार चांद क्या बात है बल्ले बल्ले मेरे शेरों वाह 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 चब्बी की शादी चब्बी की शादी
तुम दोनों ने छवि की शादी में 4 चांद नहीं 400 चांद लगा दिए। थैंक यू पाजी। अच्छा पाजी, अब आपका क्या ख्याल है, टैलेंट है कि नहीं हम दोनों में? टैलेंट टैलेंट, अरे तुम दोनों में तो टैलेंट का दरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट एक मिनट। ओए मेरे को शीतल से मिलने जाना है। अबे उसको बोल वेट कर लेगी, आता तो होगी उसे। नहीं पाजी, मेरे को मिलने जाते। चुप। आज मैं तो तुम दोनों को पटियाला पिलाऊंगा। पटियाला? अब जी मैं नहीं पीऊंगा। क्यों पाजी? मेरे को कहीं पहुंचना है, साथ में बाइक भी तो मेरे को ही चलानी है ना। तू तो पी ले। मैं पी लूंगा बाजी, मैं पी लूंगा। चीयर्स चीयर्स। क्या बात है। ये लो पाजी, ये क्या है? एक तोहफा समझ लो। नहीं नहीं पाजी, इतना बड़ा तोहफा तो दिया है आपने। जो आपने हमें दिया है ना पाजी, उसकी अहमियत इन पैसों से कई ज्यादा है। तुम दोनों मुझे बहुत पसंद आए। ए फड़ी, ये लो मेरा कार्ड, कोई भी प्रॉब्लम हो ना बेफिक्र होके मुझे याद कर लेना। ठीक है पाजी। ओके पाजी, पैरी पहनो। क्यों दे रहा हूँ बढ़िया हमरा। ओके रंगीला पाजी, बढ़िया रहा। पैजाओ पैजाओ। ओके पाजी। चल भाई चल। वाह वाह वाह, कमाल है पाजी, बंदे वैसे छा गए, मान गए आपकी पार की नजर और लौंडे सुपर सुपर डुपर। पाजी ना ग्रेट। बल्ले 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 बल्ले। क्या भाई, इतनी गर्दी क्यों है? चेकिंग हो रही है लगता है। ओ थांबो एक मिनट, कांच नहीं चलो। चुट चुट, हटा हटा हटा। सुन सुन भाई, मैं बात करूंगा, तुम लोग चुप रहना भाई। किधर जा रहे? अंधेरी में पार्टी। अभी किधर जा रहे? पूरी वही। एक काम करो, लाइसेंस और गाड़ी का पेपर निकालो, चलो जल्दी। तू वेट। हेलो, मैं फोन से पीछे की और बिकने ड्यूटी पर। बहुत जोर की आ रही यार, अब कंट्रोल नहीं होगा। तू उधर देखो, तेज ना यार प्लीज। चलो मैडम, क्या हुआ? पहला म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो पहला। बोल यार, वो ही आता हूँ। लाइसेंस है पर मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है मतलब क्या? लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हैं आप? No ways. मैडम गाड़ी साइड में लो, चलो wait. चलो साइड में लो गाड़ी। अबे ये री झाड़ियां करके आ जाऊंगा यार। रुक जा यार, इसके बाद कर लियो। भाई तू रुकेगा? भाई ये नहीं रुकेगा भाई, मैं तेरे को बता रहा हूँ। एक सेकंड संभाल। यार पहली भी रखी है, जल्दी आ जा रे। कहाँ भाग रहा है? बाइक तो हटा। अबे कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ यार, बैठा तो हुआ है वो। 2 मिनट में आ रहा हूँ करके, 2 मिनट में। चल रे बाबा, लौकर यार, चला थांबो इकडे, उधर जाके कर। यार यहाँ मुतने भी नहीं देते हैं। ये सही है, ये सही है, कर दे। कहाँ से आ रहे? वर्ली से। ड्रिंक्स क्या क्या? ड्रिंक्स कौन नहीं करता है आजकल साहब? अच्छा, सब कुछ। लाइसेंस दिखाना। अरे ड्रिंक्स का लाइसेंस का दिखाओ, लाइसेंस दिखा दो। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये लो। अरे ये 50 साल पुराना लाइसेंस है। हाँ, बहुत संभाल के रखा है। हाँ। तो क्या लाइसेंस ने इसको रिन्यू किया है क्या कभी? हाँ, और ये फोटो किधर? ये क्या तुम्हारा फोटो है? हाँ, अभी तक मुझे पहचाना नहीं आपने। पहचाना नहीं मतलब कौन, तुम प्राइम मिनिस्टर है क्या? तेरा क्या होगा कालिया? कालिया सर, मैं आपके साथ बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। ये कालिया, ये इधर नौटंकी नहीं चल रही है, ड्रामाबाजी नहीं, नाकाबंदी है। तुम गाड़ी साइड में लो, चलो। अरे मेरी बात तो सुनो, मिकाई संग तुझे एका साहब, फिल्मों में काम करता हूँ मैं, एक्टर हूँ, एक्टर विजू खोटे। तुम्ही विजू खोटे आत का खरे आत? अपन साइड लग हो गया, चला साइड लगा दे गया। तुम्ही गाड़ी साइड लग गया, ए माने गाड़ी पुड़े पड़ाओ, आगे बढ़ा।
गाड़ी रोक, ए हीरो गाड़ी रोक, इधर चल, इधर रोक, लो बसों के लाओ। अरे वाह मस्त है सविता मैडम, गाड़ी टकाई ला। क्या क्या अरे 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 चल। ओ हेलो, चुप। जय महाराष्ट्र सर। जय महाराष्ट्र, क्या चल रहा है अंदर? मतलब एकदम जोरदार बियर बार खोल कर रखा है? गाड़ी का पेपर निकल, ए हीरो गाड़ी का पेपर और लाइसेंस निकल, चल। कितना पिया है? नहीं नहीं साहब, नहीं पिया, नहीं बिल्कुल। कितना पेक पिया है? तीन 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 पेक पिया है। तू किधर से आ रहा है? वेडिंग पार्टी से आ रहा हूं। वेडिंग पार्टी से आ रहा है? हाँ, क्या हुआ साहब? ये 500 रुपए लोन है सर, खत्म करो ना, जाने दो। हवालदार लोग भी 500 रुपए नहीं लेते। तू गाड़ी साइड में ले, तुम लोग ये 1500 रुपए, आखिरी 1500 प्लीज खत्म करो ना, जाने दो। 1500 रुपया, एक बात सुन, ड्रिंक एंड ड्राइव का फाइन है ना वही 5000 रुपए। पहले तेरा मैं गाड़ी जब्त करूंगा, उसके बाद में तेरे को कोर्ट लेके जाऊंगा, उसका अलग खर्चा बढ़ने वाला। नहीं नहीं बराबर है साहिब, साहिब ये आखिरी 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 3000 का प्लीज साहिब, जाने दो प्लीज, खत्म करो ना साहिब। चलो निकलो, घर पे निकलो, चलो। तेरा क्या रे हीरो, क्या टाइम पर चल रहा है? कब से बोला तेरे को पेपर दे, लाइसेंस दे? दारू भी पिया है साहिब? मैं गाड़ी दारू भी पिया है। अरे वाह, लाइसेंस गाड़ी नहीं चलाया, वो दोस्त चला रहा था वो। चल उधर बात करेंगे, चल। ये लो बंटे का आर्टिस्ट विजू खोटे, अभी तो मेरे को पहचाना ना आपने? पहचाना? आरोपी है? कहाँ रह गया था यार? अरे कुछ नहीं यार। अच्छा खैर वो छोड़, तू यहाँ कैसे पहुंचा? अरे यार उसने पकड़ लिया है पुलिस वाले ने, मैं उसको बोल रहा हूँ बाइक मैं नहीं चला रहा था, मेरा दोस्त चला रहा था, वो सुसु करने गया, अभी आ रहा है, सुन ही नहीं रहा यार मेरी बात। चल कोई बात नहीं, आने जाने दो, बात करते। करने बोला ना, प्रोटेस्ट देगा कि नहीं? अरे साहब आप बात नहीं समझ रहे, बाइक मैं नहीं चला रहा था। प्रोटेस्ट देना ही है सर, कोर्ट नहीं करते हैं, कह रहे हीरो क्या 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 प्रॉब्लम है सर? सर मैं ये कह रहा हूँ बाइक मैं चला रहा था, ये टेस्ट क्यों देगा? बाइक तू नहीं चला रहा था, बाइक ये चला रहा था, इसको बाइक में नहीं चला रहा था। नहीं सर मैं टेस्ट नहीं दूंगा। टेस्ट गया जी, पूरे कर, चला टेस्ट दे, बोलना तो लगता है क्या बात सर? मैं कहा बता बता बता, जब यहां पे आया तो थोड़ा ऐसे जाम लगा होता तो मैं पीछे तक गया था सुसु करने, झाड़ियों में, इतनी देर में ये सब हो गया सर? मिसअंडरस्टैंडिंग है। किसको? पुलिस को, हमको? मतलब हम क्या इधर टाइम पास कर रहे हैं? सबको पकड़ रहे और टेस्ट कर रहे? सर मैं ऐसा कह ही नहीं रहा सर, मेरी बात तो सुनिए सर, क्यों देगा सर? टेस्ट देगा वो सर, टेस्ट मैं देता हूँ, बाइक मैं चला रहा हूँ सर, मेरी बात तो सुनो। आवाज बंद कर, आवाज बंद, तू टेस्ट लेगा कि नहीं? मैं बाइक नहीं चला रहा था, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तेरा बाप भी टेस्ट लेगा। बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, बाप को बीच में मत लाना। अभिषेक हाँ, अभिषेक नहीं दूंगा सर, सर बाइक मैं चला रहा था सर, पक्का नहीं दे, नहीं दूंगा सर। अरे मार रहे सर, इतना टाइम पास चालू है करे सर, टेस्ट नहीं देगा तू? सर आप देखिए ना सर, ये क्या कर रहे हैं सर, मेरा दोस्त बाइक चला ही नहीं रहा, मेरी बात तो सुनो सर, सुसु कर दिया, टेस्ट नहीं देगा चले। हां सर मारिए मत सर, उसको मार दिए सर। काय बोला पूरा करा सर? सर सर आपको गाली नहीं दी शिविर ने? प्लीज सर शिविर दिल सर, शिविर गाली देगा पुलिस वाले को? नहीं तुम्हारा शिविर नहीं दिली साहब, गाली देगा पुलिस वाले को? नहीं दी साहब, नहीं दी साहब, आपने गाली गाली ये इधर आ सर, क्या बात है, क्यों मार रहा है? मैंने शिविर दिली देनी नहीं दी, मैंने आपको ले जाओ, ले जाओ साले को, क्यों मार रहा है? गाली देगा पुलिस को? दस दारू पीता है साल, गाड़ी पास आई, शट अप, गाड़ी पास ले जाओ इसे, बोलो ना मेरे अंदर सालों को, शिविर तो पुलिस ला, गाड़ी जब किया उधर चल, और गाड़ी को चल, गाड़ी जब के ये रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी, विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसे पकड़ के लाए थे जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, पूरे टाइम दिमाग में बस ऐसा भी कुछ हो सकता है मेरे साथ इस बात की हैरानी थी, और आगे क्या होने वाला था इस बात का डर। इस लड़के को अल्कोहल टेस्ट के लिए लेके जाओ फटाफट। ठीक है सर, चल रहे और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ज्यादा बोलने का नहीं, साहब ने बोला है तेरा अल्कोहल चेक कराने का है, चल चुपचाप। विजू खोटे, I'm okay, I'm okay, I'm okay. इतना पुराना लाइसेंस? हाँ और एड्रेस भी पुराना है आपका?
ये रिपोर्ट है, इधर साइन करो। सर, हाँ बोला। अभी अभी कुछ देर पहले मेरे दोस्त अभी को लाए थे यहाँ पे, इन्हें इन्हीं के साथ लाए थे। वो कहाँ है सर? दिखता नहीं, इधर काम चालू है, जा बैठो इधर। देखो सर, आजकल के लड़के दारू पी के बाइक चलाते हैं और फिर हम लोगों को तंग करते हैं। जिनेलिया डिसूजा। यस, चल उठ। तेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ यार, है? नहीं मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, और ऐसा मारते है कि किसी को कोई भी चे? वैसे गाड़ी तो तू चला रहा था। हाँ सर, गाड़ी मैं चला रहा था। अरे आईने से देखा रियर व्यू मिरर, फिर मुड़ के देखा तुम जा रहे थे उधर। मैं समझ गया क्या है, गाड़ी तू चला रहा था, तू उतर गया गाड़ी से। और क्या है पाटिल, एक लंबू पुरगा होता कुठे टाकला त्याला? टेस्ट साठी पाटिल साहब। सर 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 सर, आप प्लीज मेरे दोस्त का ब्रेथ टेस्ट मत करवाइए सर। सर सर, मैंने आपको बताया था ना सर, मैं बाइक से उतरा था सुसू करने के लिए, उन्होंने मेरे को देखा था सर, उन्होंने मुझे देखा था, और मैं बाइक से उतरा था और मैं क्रॉस करके झाड़ियों में गया था सर, बाइक मैं चला रहा था, उस बेचारे की तो कोई गलती ही नहीं है सर। ए बार ओ सर, ये ले बाहर का। ओ सर सर, बाहर का डाला। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर सर, ए इधर नहीं, बाहर बैठो। कह रहे जब तो अच्छा माइला। देखो मैडम, यहाँ के ड्रामा नहीं करने का। टेस्ट नहीं देगा? ए छिपरिया, टेस्ट देगा अभी? देगा ना अभी? हाँ, ए टेस्ट कैसी? गलत ना होते हुए भी मुझे इतना जलील किया, हाँ बोलने के लिए मुझे मार मार के मजबूर किया, और मुझे जबरदस्ती मुजरिम बना दिया। क्या यही है हमारे देश का कानून? इसके दोस्त को लेके आओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। साहब ने तुमको अंदर बुलाया। हाँ। सब ठीक है? हाँ हाँ। 120 काउंट है और बोलते दारू नहीं पिया है? सर दारू पी है इसने। फिर? पर बाइक मैं चला रहा था। यहाँ सब आ गया इसे बोलते हैं 2000 रुपए फाइन भरो और कल अनाड़ी कोर्ट में आकर अपना लाइसेंस और अपना रिफंड ले जाना। यहाँ साइन करो इस पे। ये क्या है सर? DDR है, साइन करो। निकलते हैं यहाँ से, साइन करके चल। पावती दिखाकर अपना रिफंड और लाइसेंस वापस ले लेना। साइन करो इधर। चल चल चल। अभी तेरी कॉफी पड़ी है किचन में। अभिषेक, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अभिषेक बताएगा अभी? अभी बहुत मारा यार मेरे को, लॉकअप में ले जाके चक्की के पट्टे से मारा यार। चक्की के पट्टे से? ये देख, क्या बात देख, कर रहा है? देख कितना मारा है, देख ये देख, हराम ज़्यादा मारता ही गया यार, मारता ही गया। शिट यार, ये तो बहुत मारा यार। यार ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारते यार। छोड़ यार, जो हो गया सो हो गया। छोड़? तू पागल हो गया क्या? मेरा तो मन कर रहा है सालों का मुंह तोड़ दूं बहन के टके। पर जो हो गया था उसे बदल तो नहीं सकता था, बस भूलने की कोशिश कर सकता था, और यही बार बार सोच रहा था कि कब ये मामला जल्दी से खत्म हो और मैं अपनी नॉर्मल सी जिंदगी में वापस लौट सकूं। अनाड़ी कोर्ट में यही करने के लिए हम दोनों पहुंच गए।
आपको गुनाह कबूल है? जी नहीं। लॉयर को बुलाओ अपने। लेकिन मेरे पास तो कोई लॉयर है ही नहीं। अरे तो फिर ऐसे कैसे नॉन गिल्टी प्लीट किया? 10 दिन और 30,000 का जुर्माना। क्या करेंगे? लॉयर लेके आते हैं। लॉयर? नहीं नहीं, असिस्टेंट ऑफ लॉयर। असिस्टेंट? पर आप लोगों को लॉयर चाहिए क्या? हाँ जी हाँ। ड्रिंक एंड ड्राइव केस? जी हाँ। चलिए मैं आपको एक बहुत बड़े लॉयर से मिलवा देता हूँ। दुबे जी, पहले तो आप उनका एक कार्ड रख लीजिए। ये लीजिए, कार्ड रखिए। और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट आदमी है वो। आइए आइए, चलिए मैं आपको मिलवा देता हूँ। थैंक यू। सर, ड्रंक एंड ड्राइव केस। गुड आफ्टरनून सर। आओ बैठो। थैंक यू सर। पौधी वोधी लाए हो? यस सर। ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब हाफ मर्डर जैसा है। अभिषेक नायक जी सर। वर्जिन हो? यस सर। लेकिन सर इसका केस से क्या लेने देना? अरे भाई मेरा मतलब है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो। यस सर, फर्स्ट टाइम। एक्चुअली सर बाइक मैं नहीं चला रहा था, बाइक ये चला रहा था। और बाइक ये चला रहा था, पकड़े तुम गए? यस सर। लुका छिपी खेल रहे थे क्या तुम दोनों? सर मेरे को सूसू बहुत जोर की आया था और मैं रोक नहीं पाया था सर। ओ। और सर इसको आने में बस थोड़ी सी देर हो गई और उस हवलदार को लगा कि बाइक मैं चला रहा हूँ। सर मैंने उसे बहुत समझाया कि बाइक मैं नहीं चला रहा था, बाइक ये चला रहा था, पर वो मुझे टेस्ट के लिए फोर्स करता रहा। सर प्लीज सर कुछ कीजिए सर। आप लोग खिलाने पिलाने का इंतजाम कर लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। खिलाने पिलाने का? इसने आपको अभी बताया कि बाइक मैं चला रहा था। हाँ सर। बाइक ये चला ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ उतर के 5 मिनट के लिए बाथरूम गया था। भाई वाह, बहुत ही सही वक्त चुना है बाथरूम जाने के लिए। क्यों? अब अगली तारीख दिलवा देता हूँ, बाकी बात बाद में करेंगे। हाँ आओ चलो सब। आओ चलो। अगली तारीख सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। बाइक रघु चला रहा था, पकड़ा मैं गया था, पर हम डूबतों को दुबे जी में एक तिनका नजर आ रहा था। देखा सर ने क्या किया? हाँ बाइक चुड़वा दी आपकी, ये लो। थैंक यू सर। चिंता मत करो, अगली डेट मैंने ले ली है। अगली डेट क्यों सर? अरे यार सेटिंग करने में टाइम लगता है, अगली डेट मतलब लास्ट डेट। और मेरे होते हुए चिंता क्यों करते हो? एक काम करो, तुम परसों 40,000 रुपए लेकर मेरे ऑफिस में आ जाओ। 40,000 सर? 40,000 तो बहुत ज्यादा है सर। ऐसे चौकरो, यहाँ पे 60 का रेट चल रहा है, 60,000। तुम 20,000 रुपए लेकर आ जाओ। क्या है इसका अल्कोहलिक काउंट कुछ ज्यादा है, अंदर कुछ पेपर वेपर बनाने पड़ेंगे। अच्छा सर हमारा रिफंड? यस सर। अरे यार तुम लोग समझते नहीं हो। रिफंड? किस चीज का रिफंड भाई? हाँ अभी अभी सर ने आपको बताया कि हर किसी को पैसे खिलाने पड़ते हैं। अब देख लो आप लोगों को क्या करना है, इस केस से बचने का यही एक तरीका है। ओके सर। ओ भाई हाँ क्या कर रहे हो यार, दुबे साहब को नाराज कर दिया। बहुत बड़े वकील हैं दुबे साहब, और तुम्हारा केस भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर एक बार फंस गए ना तो लंबे जाओगे, समझे? 40,000 रुपए कहां से लाएंगे यार? और भाई क्या हाल है? अच्छे हैं सर। बढ़िया सर। अच्छा सर आपके ये 20,000 रुपए सर। 40 की बात हुई थी ना? अच्छा नहीं सर, आपने बोला था ना कि बाद में दे दें, 20 पहले 20 बाद में। ज्यादा ज्यादा लेकिन दे देना भाई। बिल्कुल सर। सर अच्छा ये लो, सेफ में जो इनकी लाल फाइल है ना वहां संभाल के रख देना, ठीक है? जाओ अब घर मस्त होकर जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, ये भूल जाओ कि कभी पकड़े गए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चल सुशील जी, कहाँ चला जाता है? बस वहीं। पैसे कहाँ हैं? आप ही ने तो बोला था वो फाइल में रखने के लिए। गधा का गधा ये तू, मैंने उनके सामने बोला था, करने को नहीं कहा था। चले क्या पैसे?
अच्छा सुन, ये क्लाइंट तू ही लाया था ना? जी जीजू। ये ले रख ले। नहीं जीजू, इट्स ओके। इट्स ओके देन। ठीक है, तेरे तो ठीक है। ध्यान से काम करेगा तो आगे जाएगा। वही कर रहा हूँ जीजू। जा अभी। थैंक यू जीजू। अब इसे खाए जाएंगे और पिए भी जाएंगे। देखो ही, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। बड़े साहब बोले कि तू जल्दी इधर से आउट हो जाएगा। और जल्दी जल्दी मतलब कब? जब ये हराम जादे मेरा खून चूस लेने के तब। अरे बोला ना जल्दी। देख मैंने और इंतजार ना कराए, नहीं तो मत्था सटक जाना है मेरा। कंधे पे बिठा तो कान में नहीं मुतने का। एक तो काम पूरा किया नहीं, ऊपर से शानपति कर रहे लाए। तेरे को जिंदा छोड़ दिया ना, यही बहुत बड़ी बात है। जिंदा छोड़ दिया मतलब? वे साले हो, मैनू मारोगे साले हो? तो आड़ी ते मत, मैनू मारोगे तुम लोग? तुम सबकी जान ना मेरी मुट्ठी में हैगी। साले मैनू मारनगे। दो दिन हैंगे तुहाडे कोल। दो दिन के अंदर अगर मुझे यहां से बाहर नहीं निकाला ना, तो सबके नाम गुल देने मैंने, फिर देख ले क्यों होना है। ऐसे ही खाली फिली भूल देने का? तेरे को मालूम भी है कौन कौन शामिल है इसमें? अथे आओ। तेरे को कैसे मालूम? ओए बाप हैं तेरे, और बाप से ज्यादा होशियारी नहीं क्या करते। नहीं नहीं, उधर है ना वो शेरा को अंदर करने का प्लानिंग चल रहा है। शेरा अंदर और तू बाहर, समझा? चल चलता हूं मैं। सुन, कछुआ छाप भिजवाती हूं। हराम जादू ने खून चूस लिया है मेरा। क्यों भाई, तुमने सारी बात तो बताई ही नहीं। उस रात पुलिस वाले से झगड़ा हुआ था, उसे गाली भी दी थी। नहीं नहीं सर, वो सब झूठ है। बाइक उस रात को मैं चला रहा था। पर डीडीआर में तो कुछ और लिखा है। डीडीआर? डीडीआर क्या होता है? डेली डायरी रिपोर्ट। ये हर पुलिस स्टेशन में लिखाई जाती है। इसमें लिखा है कि उस रात तुमने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के साथ हाथापाई की और उसे गाली दी, और रजिस्टरिंग अरेस्ट का चार्ज भी लिखा है। ये सब झूठ है सर। झूठ है तो इस पर साइन क्यों किया? सिग्नेचर तो तुम्हारा ही है ना। सर उस रात इन लोगों ने मुझे चक्की के पट्टे से बहुत मारा सर। सर मैं बहुत घबरा गया था, बहुत डर गया था, मुझे बस वहां से किसी तरह निकलना था। सर मैंने ये बिना पढ़े ही साइन कर दी। हमें नहीं पता था कि उन्होंने ये बदल दिया। ये गलत रिपोर्ट है सर। डीडीआर रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है। डीडीआर रिपोर्ट है ना, एकदम परफेक्ट है। जो हुआ ना वही लिखा है उसमें। ये यहां क्या कर रहा है सर? इसी ने रिपोर्ट बदली है, और अभिषेक को भी इसी ने उस दिन इतनी बेरहमी से मारा था। मैं बात करता, बात करने के लिए बुलाया हूं इसे। ए अमिताभ बच्चन, जरा ठंडा ले। इनके ना पिछवाड़े पे जब तक डंडा लगेगा नहीं ना, तब तक समझेंगे नहीं ये लोग। क्या समझाएंगे आप? अब इधर भी दादागिरी दिखाएंगे आप? अब मारेंगे मुझे? मारो मारो ना। अरे मारो, झगड़ा नहीं करने का। बाप रे, कायद चर्बी है। हां देखा क्या, चर्बी देखी? और मेरे को बोल रहे मैंने रिपोर्ट गलत लिखा। जाने भी दो, अब बच्चे हैं, इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ लगाते फिरेंगे। अब तुमको क्या करने का वो बोलो। चलो कुछ नहीं, 50,000 लगेंगे डीडीआर के। 50,000? एक पैसा मैं नहीं दूंगा इसे। और आप भी क्या बात कर रहे हैं दुबे जी, इस आदमी ने हमें इतना जलील करा है और आप कह रहे हैं हम इसे ही पैसे दें? हे 50,000 रुपए नहीं मिलेगा ना, तो ये डीडीआर रिपोर्ट है ना, मैजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा, इसको बराबर घोड़ा लगाऊंगा। 50,000 रुपए मला न्याय मिळाले ना, तुला असा घोडा लावणार ना आयुष्यात, बघत राह तू। चंद्रकांत शांत हो जा। चले। अरे शांत हो जा वे। जब झगड़ा ही करना था तो मेरे पास क्यों आए? जितना भी डीडीआर में जो कुछ भी लिखा है वो सब गलत है। मुझे भरोसा है तुम दोनों पर सबूत तुम्हारे खिलाफ है। सीधी साधी जनता को सही चूना लगा रहे हैं ये लोग। ऐसा ही होता है सर, एवरीवन फाइंड्स द इजी वे आउट। कोई भी सच नहीं ढूंढता,
ह्यूमन मैन इतना कॉमन हो चुका है ना कि कोई कहीं भी धर लेता है। और आप भी तो उसकी तरफदारी कर रहे हैं। देखो ये पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। सर पर हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। अभी अगर होते भी ना तो हम नहीं देते। देखो अभी 12 दिन बचे हैं तुम्हारी अगली डेट के लिए। हा? तुम लोग कोशिश कर सकते हो। सरासर बकवास है। केस तो बन गया है ना, वो तो वापस नहीं हो सकता। हम जैसी पब्लिक ही बेवकूफ बनती है क्योंकि आम पब्लिक को तो लॉ ही नहीं पता, तभी तो हम जैसे लोग फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो गए। अभिषेक एक दरवाजा अभी भी खुला है। कौन सा? शेरा जी। कौन शेरा जी? अरे याद है उन्होंने हमें अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। रघु हमारे जैसे 36 उसे रोज मिलते हैं, तुझे पहचानेगा भी नहीं वो। देखते हैं ना क्या कहते हैं, क्या पता मदद करे। बेल बज रही है। क्या हुआ? बेल बज रही है, उठा नहीं रहा है। वो कहते हैं ना जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक दरवाजा जरूर खुला रखता है, पर अब ऐसा लग रहा था कि भगवान ने वो खुला दरवाजा भी बंद कर दिया है और उसकी चाबी कहीं फेंक दी है। शेरो बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। पाजी हम डायरेक्टली आपके पास नहीं आना चाहते थे, वो मैंने आपका फोन बहुत ट्राई करा, आपने उठाया ही नहीं। आए भी तो बहुत अच्छे मौके पर। बिल्कुल, और आज हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी की 50वीं सालगिरह। चलो जी कोई पैक्षक नहीं, नहीं पाजी पैक्षक नहीं। क्यों नहीं पाजी? निका जी नहीं 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 पाजी पैक्षक। चलो ना सही, क्या बात है बड़े परेशान लग रहे हो? पाजी एक्चुअली हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत?
ओ दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसका इलाज हमारे पाजी के पास ना हो। शर्माओ ना, बोलो यार क्या प्रॉब्लम, क्या बोलो पाजी। उस दिन तो आपको पता है ना, चब्बी की शादी में, उस रात से लेकर अब तक हुई सारी चीजों के बारे में हमने पाजी को बताया। ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे पुलिस ने अभिषेक को एक आम क्रिमिनल की तरह पीटा, कैसे उन्होंने वो झूठा DDR साइन करवाया, और कैसे दुबे ने हमारा भरोसा जीतकर हमें इस दलदल में और फंसाया। जुल्म है, बड़ा जुल्म की तारण है। चलो मेरे साथ, मैं उनकी अकल ठिकाने पर लाता हूं। पुलिस आई है। पुलिस? पुलिस यहां क्या कर रही है कि हिम्मत यहां आने की? कहिए इंस्पेक्टर साहब। पाजी, मेरे पास आपका नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? मुंबई सूरत हाईवे पे आपका ट्रक पकड़ा गया है, उसमें से ड्रग्स बरामद हुए। ओ ठुल्ले, पाजी के खिलाफ साजिश करता है, मार दूंगा। ओए, खून की नदियां बह जाएंगी। और ठंड रख इंस्पेक्टर साहब, इस कंपनी को खुले 50 साल हो चुके हैं, और इन 50 सालों में शेरा का नाम शेरा की जान से ज्यादा कीमती है। मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब एक बहुत बड़ा खेल है, और ये सब इसका एक छोटा हिस्सा है। पाजी, पिछले कुछ समय में हमने ये तो देख ही लिया था कि ये सिस्टम हम जैसे छोटे लोगों को कैसे चूसता है, पर जब ये सिस्टम ने आप पे उंगली उठा दी तो हमारे बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं रही ना। पाजी, क्या अब हम चल सकते हैं? चलो जी। पाजी, आप कहीं नहीं जाएंगे। रंगीले। नहीं पाजी। एथेरा, कुछ नहीं करना, हमें ये भी देखना है कि हमारे कोई भी आदमी गुस्से में आकर कुछ करना बैठे। मैं साइन नहीं करूंगा जब तक आप उस ट्रक ड्राइवर को मेरे सामने नहीं ले आते। एक मिनट रुक, मैं बात करनी है। पाजी। रंगीले, कोई गुंडागर्दी नहीं करनी, चल जा। पाजी, आपकी कही हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। पाजी, मैं सिर्फ यहाँ ये बताने आया हूँ कि वृंदर सिंह सोडी की लाश मिली है उसके घर, पंखे से लटकी हुई। वीरू की लाश? हाँ पाजी, और जो ट्रक इन्होंने पकड़ा है ना, उसका ड्राइवर हमारा वीरू था। ये लो, हो गया मामला क्लियर। ड्राइवर ने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वीरू खुदकुशी करने वालों में से नहीं है, और ना ही वो ड्रग स्मगलिंग कर सकता है। मुझे यकीन है वो ट्रक में नहीं था। इसने भी ये साजिश की है, उसने मेरे बंदे को मार के बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। पाजी, बेकार की बातें छोड़िए और साइन कीजिए। कहानी क्या है और सच क्या है जल्द ही पता चल जाएगा। रंगीले। हुकम पाजी। तू वीरू के घर जा। जी। आज से उसकी खानदान की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। जी पाजी। तुम लोगों को पता है मैंने यहाँ क्यों बुलाया? नहीं सर। परसों तुम्हारे केस की हियरिंग है, चंद्रकांत के पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं सर। क्यों? हम चंद्रकांत को पैसे नहीं देंगे सर, और आपको भी उसके खिलाफ हमारा केस लड़ना चाहिए। कौन सा केस उसके खिलाफ लड़ूं? पुलिस वाले को गाली दी है तुमने, उस पर हाथ उठाया है, ये कोई आम आदमी नहीं था। और उस दिन मेरे ऑफिस में जो हरकत की है ना तुमने, उससे और बात बिगड़ गई है। अब बात पैसों की नहीं, इज्जत पर आ गई है। तुम लोगों ने चंद्रकांत को पैसे नहीं दिए, वो छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो सब झूठ है। क्या झूठ, क्या सच? केस बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है सर, तो ढूंढिए ना सच। मेरा काम है मेरे क्लाइंट को बचाना, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, वरना चंद्रकांत जैसे तुच्छ लोग से मैं मुंह भी नहीं लगता। तुम्हारे लिए मैंने उससे बात की है। समझदार हो, बात को समझो, समझाओ इसको। सर सर सर, रघु सर, हम कुछ करते हैं, जितना जल्दी हो सके हम कुछ करते हैं सर। सर, हम नहीं देंगे यार पैसे। अगर तुम लोगों का यही रवैया है तो मैं भी तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। पर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमने आपको आपकी फीस भी तो दी है ना। अच्छा, आधी दी है, बाकी आधी मैंने माफ कर दी है। वो इसलिए क्योंकि मुझे हमदर्दी है तुम दोनों से। जितना समझाना था समझा दिया भाई, का वाली बंद करो, इसका केस लड़ना ही नहीं है यार। बिल्लो तेरी गुच्छी का सुनी ना प्रेस कर रही हूँ, मैं अपना सारा पैसा तेरे पास।
सॉलिड मारा है, अच्छी तरह से उसको निचोड़ना, समझा ना? अच्छा अच्छा ओके ओके तेरे कपड़े गुची तेरी फैली मुंडे ने चर्चे बॉम्बे टू दिल्ली ना कोई तेरी जही ना कोई थी हर कोई खड़े खड़े देखे जी तेरा स्टाइल तू है लेटेस्ट वंडर हवलदार नु तू कर दवे अंदर दिल विच बैगी टॉर तेरी हैगी बिलो नंबर देगी पर दिल साडा लेगी अरे यार एक सर है जो तुम्हारे केस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम हो की और अपने इस दोस्त को समझाओ ये दोस्त है दुश्मन पता नहीं चल रहा है हां दे दूं पैसे दे दूं ये तो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से सर को नाराज करने की जरूरत नहीं बस पैसे दे दो तू जूते ना रघु नहीं देंगे यार और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये पैसे देने के लिए इतना क्यों बोल रहे यार रघु क्योंकि वो भी चाहता है कि मुझे जेल ना हो कुछ तो करना ही पड़ेगा बहुत जल्द एक रास्ता है क्या नया लॉयर करते ना कोई फिक्र थी सानू ना था जिंदगी दा पंगा ओ पाजी वेलकम हैगा ओए जिद्दा किद्दा क्यों पाजी हुण ते आई गए जेल की रोटी तोड़ने हां मेरे भरा हुण ते आदत पा लियो अथे आई लब्बूगा जिद्दा एक गल याद रख ले तूने सांपो से दोस्ती की है और जिस दिन उनका मतलब पूरा हो गया वो आकर तुझे डसेंगे ओ पाजी मैनू इस तरह डराने की कोशिश ना करो कोई फायदा नहीं होना मैं कुछ दिन बाद यहां से निकल जाना ते तुसे अथे सड़ते रहो ते ओदे बाद तुहाडे सारे ट्रक सारी लॉरियां सारी गड्डियां मेरी अकल दी गल कर यार जिन लोगों की वजह से तू यहां तक पहुंचा है उन्होंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया है अपने भले के लिए किया है और वो कुछ भी कर सकते हैं तुझे जेल में मरवा भी सकते हैं ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं ठीक है तेरी मर्जी Excuse me, do you know where I might find a Mr. Dubey? Hello, madam. Madam, I am Mr. Akash Dubey. Oh, hi, Mr. I'm sorry. Akash, Sky. Right, Akash Dubey. Nice to meet you. Madam, not Dubey. Say Dubey. Dubey, right. No, madam. Say Dubey. Do. Say Do. Do. Mm-hmm, madam, say Dubey. Yep. Do. Say Dubey. Yes, Dubey. Mr. Dubey, I understand. Oh, madam, say na. Dubey. Kya hai, chup rahe? Say. Kya hai? Do. Are Dudu? Do. Madam, you can say Akash Dubey. Sweet of you, thank you. I'm Clitty Torres, by the way. Clit. Kahin ye Fernando Torres ki behan to nahi? Ye kaun hai? Excuse me. Mujhe Chandrakant ne send kiya hai. Madam, you know Hindi? Very little. No problem. Say, what is your problem? Oh, he told me to contact you regarding my case. No problem. Your problem, my problem. Oh, that's very sweet of you. Thank you. How much will that be? For India, it is 50,000. But for outside India, it is 1 lakh rupees. You know, madam, dollars and rupees, big difference, na? But I will give you some discount. If you pay me in advance 50%, I can make it round figure 80,000. Okay, well, I have the 50,000 now to give you, so I'll give you that now. Wait. Come here. Come. Mm. Give. What? Money. Oh, right, okay. Here. Oh. Thank you. No. No, madam, your problem, my problem. Thank you, Mr. Dubey. Oh, that's so sweet of you. Oh. Mm-hmm. You have a nice day. You also have a lovely day and night. Thank you. Tiju. Huh? Ye aapne kya kiya Tiju? Kya? 2.5 lakh ki party ko aapne 80,000 mein dan kar diya. Matlab? Tiju Gucci upar se niche tak Gucci mein thi. Ye Gucci matlab kya hota hai? Gucci bahut hi bada aur mehenga brand hai. अच्छा देखना एक दिन मैं इसको
पूरी तरह से उतार लूंगा। और फिर क्या? फिर चंद्रकांत। क्या दुबे? हम्म, पैसा मिल गया ना? हाँ मिल गया। तो मेरा हिस्सा निकल। हाँ ये बाल बाल काटना अभी आंख में घुसेगा। हाँ ले। कितना है? 10। 10 फॉरेन आइटम का? सिर्फ 10? हाँ उतना ही है, भाई साहब को भी देना पड़ता है ना। अच्छा सुन। हाँ बोलो। 4 लोग को पकड़ के भेजा है। अच्छा, एक गुजराती है, उसको बराबर खोलना। गुजराती है? चलो थैंक यू। अभिषेक और मैं लॉयर ढूंढते ढूंढते थक गए थे। हमने इतने लॉयर से बात करी लेकिन हमारा केस कोई भी लड़ने को तैयार नहीं था। फिर अचानक एक बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर मिस्टर अजय सूर्यवंशी का कॉल हमें खुद आया और उन्होंने हमें मिलने अपने घर पे बुलाया। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछनी थी। आपको हमारे केस के बारे में कैसे पता लगा? ये मेरा प्रोफेशन है और यूं समझ लो कि मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो सिस्टम के सताए हुए होते हैं। थैंक यू सर। मुझे पता है कि तुम्हारा केस चंद्रकांत और दुबे के मिले जुले कांड का नतीजा है। 99% केस उनके फेवर में है। अगर तुम बिना लॉयर के हाजिर हो जाते ना, 2 से 6 साल की सजा तुम्हें जरूर मिलती। पर सब झूठ है सर। ये मैं मानता हूँ, पर कानून तो सबूत मांगता है ना। पर सबूत तो हमारे पास है नहीं। हाँ लेकिन अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश? सर मुझे कोई कोशिश नहीं करनी है, मुझे बस पैसे दे के इस केस से निकलना है बस। अभिषेक कैसी बातें कर रहा है? वो हमारी मदद करना चाहते हैं और वो हमारी मदद करेंगे। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं 99% केस उनके फेवर में है। उनके क्या हो गया? 1% तो हमारे फेवर में है ना यार, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? एक मिनट। और मैं तुम दोनों को क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी डरपोक का केस नहीं लड़ूंगा। डरपोक? मैं कोई डरपोक नहीं हूँ सर, मैं एक आम इंसान हूँ जो सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकता, नहीं लड़ सकता उससे। और मेरी अपनी कोई मजबूरियां हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। बस यार अभिषेक वाली बात तो। अभिषेक 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 मेरी बात, पागल हो गया क्या? कोई सामने से हमारी मदद करना चाहता और तू भाग रहा है। क्या मदद? तूने सुना उसने क्या बोला? कोशिश? अबे कोशिश क्या होता है? देख रघु, मेरी एक बात समझ में आ गई है। अगर हमने दुबे को पैसे नहीं दिए तो मैं 100% जेल जाऊंगा। लेकिन ये बात तेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है? अरे भाई मैं तुझे जेल नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे जाने दूंगा जेल। अभिषेक मेरी बात सुनेगा? नहीं सुनना मुझे कुछ। ऑटो अभिषेक, 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 अभिषेक मेरी बात सुनेगा? अभिषेक रघु, 3 दिन हो गए हैं। फोन कर रही हूँ, फोन का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। इतने दिनों बाद मिली हो, झगड़ा तो मत करो। पर मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, अपनी हालत तो देखो, क्या हालत बनाई हुई है। कोई प्रॉब्लम है ना? चलो कहीं खाने चलते हैं। नहीं मुझे पता है कोई प्रॉब्लम है, बैठो यहाँ पे प्लीज। अभी और मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। बहुत जोर की आ रही यार, अब कंट्रोल नहीं होगा। ब्लड टेस्ट देगा कि नहीं? चल टेस्ट नहीं देगा। ₹50,000 मला नाही मिळाले ना, तुला असा घोडा लावणार ना आयुष्यात, बघत राह। ओ गॉड, दिस इज रिडिक्युलस यार। मैं अभी को इस हाल में नहीं देख सकता। अभी को कुछ नहीं होगा। मुझे तो डर है कि अभी को मेरी वजह से जेल ना हो जाए यार। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कोई रास्ता नहीं निकल रहा यार। सब ठीक हो जाएगा। लेट्स गो एंड ईट समथिंग। कम, चलो। मेरे
पता क्या ये लम्हे बाखबर हैं हमारी चाहतों से और मुझको खुमार है बस तुम्हारे दीदार का तुम्हारे दीदार का तुम्हारे दीदार का तुम्हारे दीदार का तितलियों से ये लम्हे सवारे यादों की डिबिया में इनको उतारे फुर्सत में बैठे हम दोनों चलते वहाँ हो सुबह का आना शब का निशान बस तुमको देखना मुझको पसंद है ये तुमको है पता क्या बेफिक्री ही हो एक संग हमारे दुनिया की ना हो हाँ परवाह जहाँ पे ऐसे ही सपने देखे दिल बेजुबान सजदे में तेरे हो है ये दुआ हेलो राजमा चावल पंजाबी रात के 2 बज रहे हैं इधर है मेरा बेटा कहाँ कहाँ लेकर उसको घूमता रहता है जल्दी से उसे घर भेज दे क्या हुआ बताओ अभी अब तक घर नहीं पहुंचा आजी का फोन था पर वो कहाँ गया होगा मुझे पता है वो कहाँ गया होगा दुबे और चंद्रकांत जैसे करप्ट लोगों से परेशान होकर ना जाने अभिषेक जैसे कितने मासूम लोग मरने तक को तैयार हो जाते हैं उन्हें इस डर से भरी जिंदगी से मौत ज्यादा आसान लगने लगती है क्या कर रहा है ये कूदेगा तू यहां से हाँ अजी का फोन आया था चल घर चल क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं घर पे हाँ क्या बोलूंगा मैं उनको कि मैं जेल जाने वाला हूं मैं अजी और लता को फेस नहीं कर सकता मैं नहीं जा सकता घर यार इतना क्यों डर रहा है यार अभिषेक अरे लड़ेंगे ना सिस्टम से क्या लड़ेंगे सिस्टम से कौन है हम हाँ जजमेंट मैटर नहीं करेगी यू जेल जाऊंगा मैं यू एक बार सोच अज्जी और लता के बारे में सोच क्या होगा उनका जब मैं जेल जाऊंगा मर जाएंगी वो माँ बाबा के मरने के बाद अज्जी ने बहुत प्यार किया यार हम दोनों को एक खुशी नहीं थी मैंने उनको एक खुशी अब ये नहीं कर सकता यार मैं ये नहीं कर सकता मरने दे मर को अभिषेक मेरी बात सुन
मर जाएगा तो आज ही खुश होगी क्या? लता बहुत खुश होगी तू मर जाएगा तो। बर्बाद मेरा तो सोच यार। उठ उठ, मुझे जेल ले जाना। रखो मुझे जेल ले जाना। अच्छा सुन तू क्या चाहता है? तू यही चाहता है ना कि हम दुबे को जाके पैसे दे दे? हम दे देंगे उसे। अंत में हर कॉमन मैन को हार माननी ही पड़ती है और कोई चारा ही नहीं होता इन दरिंदों से बचने का। आपका हिस्सा देने से कहां मना कर रहा हूं मैं? जल्दी जल्दी पटाओ, और दूसरी जगह के केस भी आ रहे हैं। जब तक पब्लिक में ड्रिंक एंड ड्राइव का डर है तब तक जितना चाहो छाप लो। मैडम केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एनी क्रिमिनल थिंग हियर वेरी बैड फॉर यू। योर पासपोर्ट ब्लॉक, ऑल कंट्रीज ब्लॉक, यू गो होम डिपोर्टेड। मैडम योर करियर गुड बाय, ऑल फिनिश्ड। नो 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 नो, मिस्टर डुबे, आपने को कुछ खाने पड़ेगा। डिपोर्टेशन नो, इट विल रुइन मी, ओके? इट विल बी द एंड ऑफ माय करियर, आई कांट रिस्क इट, प्लीज। डुबे जी, आपको कुछ करने होगा। आई विल डू इट मैडम, बट इट विल कॉस्ट यू लिटिल मोर। खिलाना पिलाना पड़ेगा ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कितना एक्स्ट्रा? $2 lakhs. नो प्रॉब्लम। सो आई विल गिव दिस टू यू एंड आई विल गिव यू द रेस्ट टुमारो। हियर यू गो। थैंक यू मैडम। When Dubey Gyu Tang. Thank you very much, Mr. Dubey. Oh, and one more thing. Yeah. My manager says, you know, due to my image and things, that I'm not allowed to go to court or meet you at your office. Then no problem. We just meet at my bungalow instead. Oh. Okay? Oh. Thank you, Mr. Dubey. Atithi Dev Bhava. नमस्ते। चलो ये लो। क्या दुबे 1 लाख रुपए की बलि चढ़ाता है और मेरे को चिंदे का प्रसाद देता है? भाई साहब को भी देना पड़ता है ना। अच्छा, भाई साहब को कितना जाता है ना सब मालूम है मेरे को। सर वो दो लड़के आए। भेजो आओ 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 आओ। जिस तरह से मुझे ढूंढ रहे थे मुझे लगा तुम लोगों को नया लॉयर मिल गया होगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर हम पैसे लेके आए हैं। अच्छी बात है, तो दे दो, सामने ही बैठे हैं। ये 25,000 हैं, बाकी का मैं आपको इंतजाम होते ही दे दूंगा। चाहिला, मैं क्या चूतिया लगता हूँ तुमको? चूतिया हूँ क्या मैं? अरे क्या मजाक लगा रखा है यार, आधे पैसे मुझे भी देते हो आधे इसे भी दे रहे हो। या तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या हम लोग बेवकूफ हैं जो तुम्हें समझा रहे हैं। सर पर हमने आपको पहले भी बोला था हमारे पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। क्या टाइम पास चल रहा है? मैं अगर अपने जात पे उतरा ना बराबर घोड़ा लगाऊंगा तेरे को। पैसा उठा पहले और पूरा 50,000 जब आएगा ना तब आना, नहीं तो कोर्ट में मिलेंगे। चल निकल। चल चल अभी चल निकल। अरे सुन, अरे इतना क्यों खींच रहा था? वो 25 दे रहा था तो ले लेने का ना। अरे तेरे को क्या लगता है पैसे के लिए कर रहे हैं मैं? तो ये चिंदी लोगों के पास पैसा नहीं है मालूम है मेरे को? इस चूतिये ने ना मेरे को गाली दी है, मेरे को मेरे सिस्टर के ऊपर गाली दी है इसने मेरे को। इसको जेल पहुंचाएगा देख। फाइनली अभिषेक के बाद समझ गया कि अगर इस जाल से बचना है तो उनसे उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी। और सूर्यवंशी सर की मदद से हमने क्रिमिनल कोर्ट में उन पर पुलिस ब्रुटैलिटी का केस फाइल कर दिया। भाई साहब आप मेरी बात मानते ही नहीं है। मैंने कहा था ना चंद्रकांत को इतना मुंह मत लगाइए। अब क्या किया उसने? अरे जिसका डर था वही हुआ, चंद्रकांत की जिद से उन लड़कों ने क्रिमिनल कोर्ट में केस कर दिया है। जानता हूँ। अरे कल के वो अनारी लौंडे क्या कर लेंगे? भाई साहब ड्रिंक एंड ड्राइव का छोटा सा केस था, अब क्रिमिनल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तुम ना यार ये अनारी कोर्ट के केस ही लड़ा करो, ये क्रिमिनल कोर्ट तुम्हारे बस के बात नहीं है। मैं बात करूंगा चंद्रकांत से। भाई साहब मामला बहुत सीरियस। मैंने कहा ना मैं बात करूंगा चंद्रकांत से।
जाओ तुम आराम से चाय वाय पियो। चलो ए, रोटी खाने का टाइम हो गया है। कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोक रखा तुम लोगों ने? ओए किसने भेजा हो तुमको? उसी ने भेजा है जिसका नाम बताने की तू धमकी दे रहा था। नाम बताएगा तू? चल बता बता। ओ साले ओ जानते नहीं हो मैनू, मुंबई ट्रांसपोर्ट का नया किंग आ मैं किंग। दो मिनट नहीं लगेंगे, यहाँ से गायब हो जाओगे। जेल के अंदर तक पहुंच है मेरी। इसीलिए जेल के अंदर पहुंच गए? साले ओ हंस रहे हो तू अडित। पाजी पाजी मैनू माफ कर दियो पाजी। अब कोई नहीं जिंदा, उठ जा। मैं थानू मारने की कोशिश की थी। तूने गलत लोगों के साथ दोस्ती कर ली थी, उनके बारे में कुछ ज्यादा जानता था, इसलिए तुझे मारना चाहते हैं, समझे? उड़ते पाजी, मैं तुम्हें सब कुछ दसांगा। दसेगा? सब दे नाम। ऐ हुई ना गल। पर पाजी ना दे कनेक्शन बहुत ऊपर तक हैंगे, उनको घुटनों पे लाना बहुत मुश्किल काम हैगा पाजी। ओए फिक्र ना कर, तेरे भाई के कनेक्शन उनसे ऊंचे हैं। द कोर्ट बिगिंस इट्स सेशन। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल अभिषेक नायक को 20 मार्च की रात ड्रिंक एंड ड्राइव के गलत इल्जाम में पुलिस ने पकड़ा, उसके साथ जबरदस्ती की और तो और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर बेरहमी से मारा, और मारने के बाद DDR पर साइन करवाया जो कि बिल्कुल ही गलत था और रियल इंसिडेंसेस से बिल्कुल ही अलग। माय क्लाइंट हैज बीन रॉन्गली अक्यूज्ड योर ऑनर। दिस इज अ केस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स। योर ऑनर, जितने भी फेटल एक्सीडेंट के केस पाए जाते हैं 99% बिकॉज ऑफ ड्रंक ड्राइविंग। 69% उसमें से 21 से 30 साल के बीच के थे। अभिषेक नायक उम्र 20 साल, उसे भी पुलिस ने नशे की हालत में बाइक पर पकड़ा। जब उसे टेस्ट लेने के लिए कहा गया तो उसने ऑन ड्यूटी पुलिस को गाली दी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट किया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। योर ऑनर, यह है पुलिस की रिपोर्ट जिस पर डिफेंडेंट की साइन है। योर ऑनर, इस केस को और क्लियर करने के लिए मैं अभिषेक नायक को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। यू मे। थैंक यू योर ऑनर। अभिषेक नायक हाजिर हो। हाँ तो अभिषेक नायक, उस रात जैसा कि आपने बयान में लिखा है कि पुलिस ने आपको मारा। जी सर। फिर आप बाहर आए जिस पे आपसे उस पर साइन करवाया गया। जी हाँ सर। आपकी आंखों पे पट्टी बांध करके साइन करवाया गया था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर आपने DDR पढ़ा क्यों नहीं? बिना पढ़े क्यों साइन कर दिया? सर उस रात पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा सर, मैं इतना घबरा गया था कि मैंने बिना पढ़े वो साइन कर दिया सर। डर गए थे या इतनी पी रखी थी कि पढ़ने की हालत में ही नहीं थे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको इतना मारा गया था फिर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? किसी चीज का वेट कर रहे थे आप? बोलिए अभिषेक जी, बोलिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। दैट्स इट योर ऑनर। यू मे प्रोसीड। अभिषेक नायक, क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि उस रात चेक नाके पर आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर उस रात हम दोनों अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। रघु बाइक चला रहा था सर, ये बस दो मिनट के लिए बाथरूम करने पास में झाड़ियों में गया और पीछे फॉर्च्यूनर वाला हॉर्न मारने लगा। मैंने धीरे धीरे अपनी बाइक पैरों से आगे की और इतने में ही आगे मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया सर। योर ऑनर, बाइक अभिषेक नहीं बल्कि इनका दोस्त रघु चला रहा था और इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक बेगुनाह को
गुनहगार बना दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन्होंने तो जजमेंट ही सुना दी। जजमेंट नहीं योर ऑनर, जब मेरे मुवक्किल बाइक ही नहीं चला रहे थे तो इनके खिलाफ जो केस बना है वो स्टैंड ही नहीं करता योर ऑनर, इवन इफ ही वॉज ड्रंक। योर ऑनर, ना ही हमारे पास कोई आई विटनेस है ना ही सबूत है जो ये प्रूव कर सके कि गाड़ी ये नहीं कोई और चला रहा था। सबूत है योर ऑनर, ये है वो गाड़ियों के नंबर की लिस्ट और उनमें से कुछ लोग पकड़े गए थे जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से होते हुए देखा था। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे इन लोगों को एज आई विटनेसेस फॉर दिस केस पेश करने की इजाजत दी। आप इन विटनेसेस की लिस्ट को कोर्ट में सबमिट कर दीजिए जिन्हें आप पेश करना चाहते हैं। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। मैं तुम दोनों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सका। इस बात का जितना मुझे अफसोस है उतना ही फख्र है कि तुमने अपनी सारी ताकत सच्चाई की लड़ाई में लगा दी। पर पाजी, मैं ये लड़ाई हार गया तो? आसान नहीं है, रास्ता मुश्किल है। तुम्हारे रास्ते में कई रोड़े आएंगे लेकिन याद रखना, रास्ता जितना भी लंबा हो अंत में जीत सच्चाई की होती है। चलो, मिलने का टाइम खत्म हुआ। हिम्मत ना हारना, लड़ते रहना। ठीक है पाजी, पैरी पोना। जी दादा। योर ऑनर, तुषार लांबा अपने दो दोस्तों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर में बैठकर एक पार्टी से लौट रहे थे और इनकी गाड़ी उस चेक नाके की लंबी लाइन में ठीक रघु और अभिषेक की बाइक के पीछे आके रुकी। आप बता सकते हैं कि 20 मार्च की रात को चेक नाके पर क्या हुआ था? सर, मैं और मेरे दोस्त एक पार्टी से वापस आ रहे थे। सर, एक चेक नाका आया, हम वहाँ रुके। हमारी कार के जस्ट आगे एक बाइक थी जिसपे वो दो लड़के, वो ब्लू वाला और स्ट्राइप्स वाला, सर वो दोनों बाइक पे बैठे हुए थे। सर, थोड़ी देर बाद जाकर वो लड़का बाइक से उतरा और जाने लगा। जैसे ही मैंने उसको रोका वो बोला बहुत ही सूसू आया है, और सर बोलते बोलते रोड क्रॉस कर गया और झाड़ियों में चला गया। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, रघु बाइक से उतरा, रोड पार किया और झाड़ियों में चला गया। योर ऑनर, इसका मतलब अभिषेक बाइक नहीं चला रहा था। अ वेरी वैलिड पॉइंट। एंड नाउ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माय नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, इजाजत है? थैंक यू। क्या आप कोर्ट को अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम गर्दुल्ला है। गर्दुल्ला जी, आप ये बताएंगे कि 20 मार्च की रात को आपके साथ क्या हुआ था? जी, ये लड़का मेरे घर के पास धार मारने आया था। धार मारने का मतलब सुसु करने आया था। क्या कर रहा है यहाँ? हल्का हो रहा था यार। यहाँ मेरे घर में हल्का हो रहा है? तू यहाँ सोता हूँ मैं, तू यहाँ मुता आके। अरे मेरे भाई, सॉरी भाई, मेरे को पता होता तेरा घर है तो नहीं मुता। योर ऑनर, इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि रघु बाइक से उतर के झाड़ियों में गया और गलती से गर्दुल्ले के घर में जाकर उसने अपने आप को रिलीव किया। इसका मतलब रघु और अभिषेक बिल्कुल सच बोल रहे थे। योर ऑनर, माय नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, नमस्ते जी। कैसे हैं आप विजू जी? जी, आपने मुझे पहचाना? आपने मुझे पहचान लिया? विजू जी, आपको कौन नहीं जानता। प्रोसीड जी। विजू कोटे जी हैज बीन अ थेस्पियन इन द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री फॉर मेनी मेनी इयर्स, अ मैन हु हैज द इंटेग्रिटी ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, एंड देयरफॉर हिज टेस्टिमनी विल बी ऑफ ग्रेट वैल्यू। विजू जी, जी, क्या आप इस कोर्ट को बता सकते हैं कि उस रात जब आप उस चेक नाके पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैंने रियर व्यू मिरर से, गाड़ी के साइड के आईने से देखा। मैंने देखा इस लड़के को, रघु को, इसको मैंने देखा गाड़ी छोड़कर उस तरफ झाड़ी में जाते हुए, फिर मुझे वैन में डाल दिया, और मैंने वैन में से देखा कि पुलिस ने इस लड़के को, अभिषेक, ये जो स्ट्राइप शर्ट में है ना, इसको पुलिस ने बहुत बेरहमी से मारा सर, बुरी तरह मारा इसको, और ये भाग के आया और समझाने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं सुनी उसकी, बहुत मारा उसे। विजू जी के टेस्टिमोनी से एक बात तो जाहिर हो गई है, इन्होंने रघु को अपने रेव्यू मिरर में से उतरते और जाते हुए देखा था। थैंक यू विजू जी। थैंक यू सर। क्या उस घटना की रात आप किसी फिल्मी पार्टी से लौट रहे थे? जी 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 सर। आई एम श्योर ऐसी पार्टी में आपने लस्सी नहीं पी होगी। हाँ,
उस पार्टी में लस्सी कौन पीता है सर? विस्की? अंदाजा है 2-3 पैक पिया होगा आपने। तीन नहीं, मेरा ख्याल आई थिंक एट 4। 4 स्मॉल या लार्ज? वहाँ लार्ज ही होता है, वहाँ स्मॉल कोई गिनता ही नहीं। दैट्स इट योर ऑनर। दैट्स इट? थैंक यू सर। सर इसने मामला तो उल्टा ही कर दिया। आप जा सकते हैं। जी जी जी। योर ऑनर, आई'd लाइक टू कॉल मिस्टर चंद्रकांत मोरे टू द विटनेस बॉक्स। इजाजत है। चंद्रकांत मोरे, क्या आप इस कोर्ट को बता सकते हैं कि उस रात क्या हुआ? दारू पी के बाइक चला रहा था तो इसको पकड़ लिया हमने। आपने इसको पकड़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, इसके पास गाड़ी का पेपर भी नहीं था, लाइसेंस भी नहीं था। इसको प्यार से हमने समझाया, मशीन से टेस्टिंग ले, तो ये नाना बोलने लग गया, नाटक करने लग गया। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला पिया हुआ जान दो। फिर ये मेरे को धक्का देने लग गया, उसके बाद ही मैंने उस पर एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया आपने? वो नॉर्मल ऐसे ही डंडा मारा उसको। अच्छा, एक डंडा मारा सिर्फ? हाँ, मतलब अभी याद नहीं, एक दो मारा होगा। बाकी के लोगों ने भी आसपास देखा कि आपने उसे कितना मारा, फिर उसे वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन भेज दिया, और बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर आपने उसे फिर बेरहमी से मारा, अपने बेल्ट से मारा। मेरे को इसने सिस्टर के ऊपर गाली भी दिया, गाली दिया इसने मेरे को। उस दिन आरटीओ ऑफिसर कौन थे ड्यूटी पर? ये आरटीओ ऑफिसर प्रकाश दुबे जी थे। दुबे जी, उस रात आप चेक नाके पर ऑफिसर थे, राइट? जी, ड्यूटी ऑफिसर। तो जाहिर है कि आपने ये सारी चीजें देखी होंगी जिसका जिक्र इस कोर्ट में हो रहा है, और जो चंद्रकांत ने उस बेगुनाह बच्चे के साथ किया। माय लॉर्ड, कभी कभी हमें ऑन द स्पॉट कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसका मतलब आप मानते हैं कि चंद्रकांत ने अभिषेक को जबरदस्ती पकड़कर उस पर गलत इल्जाम लगाया? ऑफ कोर्स यस। वकील साहब, सिट डाउन। देखिए सर, पुलिस है ना, वो पब्लिक के फायदे के लिए काम करती है। ये ऐसी गंदगी साफ करने के लिए ना कभी कभी हाथ हो जाते हैं गंदे। सिट डाउन। योर ऑनर, चंद्रकांत जैसे लोग ये लॉ जानते ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि अगर कोई भी इंसान ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लेने से मना कर दे तो यू कैनॉट, एंड आई रिपीट इट, यू कैनॉट फोर्स हिम और हर टू टेक द टेस्ट। आजकल इनकी हमारे यूथ से बनती नहीं है, और बनेगी भी कैसे? योर ऑनर, आज का हमारा यूथ समझदार है। आज की यूथ सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है, सही गलत की पहचान है उसे, और सवाल भी पूछता है। इन्हें तो बस मैं करने वाली बकरियां चाहिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अब तक सूर्यवंशी जी ने जितने भी गवाह पेश किए वो सारे शराब के नशे में थे। कोर्ट और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि शराब के नशे में धुत गवाह अपनी गवाही क्या देगा। इसीलिए योर ऑनर, मैं कल अपने एक अहम विटनेस को पेश करना चाहता हूं। ये वो शख्स है जो इन लोगों के साथ काम करता था, इनके काले करतूतों में शामिल था, इनके पूरे मोडस ऑपरेंडी को समझता था। अगर कोर्ट मुझे इजाजत दे तो मैं अपने इस विटनेस को कल पेश करना चाहता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, विटनेस को पेश करने की तारीख आज थी, कल कैसे पेश कर सकते हैं? दुबे जी, एक ही दिन की तो बात है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। समझ गया, तो वो लोग हैं। अच्छा, क्या नाम बता दिए? ये एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा रैकेट। अब बात समझ में आई। हम दोनों को रास्ते से हटाकर ट्रांसपोर्ट का सारा बिजनेस ये एक ऐसे आदमी के हाथ देंगे जिसके जरिए ये लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे, ब्लैक मनी के। ताजी, एक बार इस चार दीवारी से बाहर निकल जाए, इसके बाद इनकी खैर नहीं। होना दी मैं ओ तो ठीक है, किद्दा करेगा वो तो होने नहीं पता पाजी, लेकिन मैं सुन। ऐ पाजी, बिल्कुल ऐ करना है पाजी। हाँ जी। हाँ हाँ, लेकिन पाजी उससे पहले इस चार दीवारी से आपा बाहर किस तरह निकलेंगे? देखो जी, चंगा दिन है, मौसम भी अच्छा है, तो सैर करें जरा बाहर की। ओ किस तरह होना पाजी? जब पिंजरे की चाबी अपने हाथ में हो तो सलाखें जानी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो हमें रोक नहीं सकती। और देख, हमारी पहुंच।
पाजी तुम्हारी सेटिंग दाते जवाब ही नहीं है। ये अदालत अभिषेक नायक को सीनियर हवलदार चंद्रकांत मोरे पर हाथ उठाने और ड्रिंक एंड ड्राइव के जुर्म में 3 साल कैद और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाती है। ऑर्डर ऑर्डर। फैसला सुनते हुए अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस दिन ये एहसास हुआ कि कोशिश, जज्बा, हौसला जैसे लफ्ज सिर्फ लफ्ज ही और कुछ नहीं। असली दुनिया में कोई मतलब नहीं है उनका। वो अभिषेक को मेरे सामने से ले गए पर मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। पूरा सिस्टम ही करप्ट है। एक जीतता हुआ केस भी हार गए हम। हमारे सारे सपने टूटकर बिखर गए। मुझे फ्री के दिया, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या, अरे दुबे जी ने जब क्लिटी को टंग दे दिया मतलब टंग दे दिया। बाकी लोगों को तो मैं टांग देता हूं। I know, that's why we're all here to celebrate you, everyone. Champagne for Dubey ji, right? Yeah. हाँ ठीक है चलो दारू खोलो। बॉम्बे टू दिल्ली, ना कोई तेरी जही ना कोई थी, हर कोई खड़ खड़ देखे जी। तेरा स्टाइल तू है लेटेस्ट वंडर, हवलदार नू तू कर दवे अंदर। दिल विच पैगी टौर तेरी हैगी, दिलो नंबर देगी पर दिल साडा लैगी। मैं तेरे पीछे क्रेजी आओ तेरी गुची ड्रेस मेनू करे इंप्रेस तू बड़ी के पैसे आज मेरे नाम मार रहे। गलत होने वाला है ऑफिसर हूं मैं, कुछ गलत नहीं होने वाला हमारे साथ। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए जिसने मुझे बांध कर रखने की हिम्मत की है। ये फालतूगिरी बहुत हो गई है, ये बुर्का निकालो पर इसे सामने आना जो भी है वो। हाँ सामने आओ, एक एक को डंडा मार के बराबर बॉल बनाऊंगा। अरे कोई है ये कौन है ये भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना इस आदमी से पंगा मत लो। तू चुप करना। ए लुके डर गया वापस, डरपोक साला। ए चंद्रकांत मुंह संभाल के बात कर, समझा? ए ए क्या कर लेगा तू, केस ठोकेगा मेरे पे? ए मुंह बंद करो अपना। चुप। शेरा हमें यहाँ लाने की वजह क्या है? तुम लोगों ने जिद्दा को जिस तरह भड़काया मुझे मारने के लिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं शेरा, ये आया था हमारे पास, इसे ट्रांसपोर्ट किंग बनना था। हाँ। हमने से कुछ नहीं कहा। और चुप करो कमीनो, प्रा के साथ प्राणु लड़ा के अभी चैन नहीं मिला तो अनु जहूर जहर भरने की कोशिश कर रहे हो तो अड्डी ते मैं। ये पंजाबी में क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। पाजी इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, माँ की कसम खा के कहता हूँ ये सारा प्लान ये भाई साहब का था। मुझे छोड़ दो प्लीज। छोटू मुंह बंद रख। तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, मनु कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जैसे कई आए कई गए। लेकिन जो तुमने उन दो बेगुनाह बच्चों के साथ किया है उसकी पूरी सजा तुम्हें मिलेगी। दो बच्चे, वो रघु और अभिषेक। कुछ बनने का सपना था उनकी आंखों में, जीने का जज्बा था उनमें, और उस जज्बे को तुमने रौंद डाला उन पर झूठा इल्जाम लगाकर। ए भाऊ, वो दो लड़कों के लफड़े में तुम क्यों गिर रहे हो? हाँ, और एक बात बताओ, तुम होते कौन हो हमको ये सब सवाल पूछने वाले? चुप। सवाल उन तमाम लोगों का है जिसे तुमने मजबूर किया है, परेशान किया है और न जाने कितने बेगुनाह लोगों के साथ किया है। सवाल इस देश का है
जहां तुम कैंसर बन के फैले हो, जिसे लूट रहे हो रिश्वतखोरी के साथ, करप्शन के साथ। ये देश वेश की बात छोड़ो, और जहां तक सवाल है रिश्वतखोरी और करप्शन का, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? भाई साहब सही कह रहे हैं, कोर्ट में प्रूफ लगता है। प्रूफ बहुत नहीं मेरे गर्ल, मेरे पास बहुत प्रूफ है। देखिए बड़े पर्दे पर अपने काले कारनामे रंगीले। जी बाजी, लो ए। लाइसेंस मैडम। ड्राइविंग लाइसेंस इज इंडिया। यस यस। एंड व्हाट इज योर नेम? क्लिटी। क्लिट व्हाट? क्लिटी। 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 यस। क्लिटी। एंड ड्रिंक्स यू? नो नो। फॉरेनर। ओके ओके गिव नाउ, गुड, वेरी नाइस। पुलेकर बागा काय रीडिंग है? So you learn Hindi इधर? Very good, that is nice. I know nice. A little bit of Hindi. Kaya le? Yeah. Oh sir, kaayat nahi sir. Kaayat nahi? Kaayat nahi. Ek kaam kar, didshe chavar reading hai. Didshe chavar reading hai, gyavya aila zara. Madam. Huh? What? What's going on? Gori chamdi dekh ke phisal gaye? Tune hi bola tha na ki isko nichod le. Usne tere ko hi nichod liya. Are bas karo tum dono. कितनी बार कहा है कि ग्राहक देख के पुड़िया बांधा करो? मैंने तो ग्राहक देख के ही पुड़िया बांधा था भाई साहब। ये क्या है फिर? देखा आपके भाई को हरामी साला, लाखों लेता था और हमको हजार टेकाता था। वन डूबे ग्यू टंग, डूबे ग्यू टंग। भाई साहब मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं बताता हूँ, इसे मैंने भेजा था, सारे वीडियोस मेरे कहने पे बने। जब तुम लोग रघु और अभिषेक को अपने झूठ तले दबाने लगे, तो तुमसे टक्कर लेने के लिए मैंने सूर्यवंशी जैसे ईमानदार वकील का सहारा लिया। लेकिन फिर भी उसे हराने के लिए तुमने जज को रिश्वत लेने के लिए मना लिया, सही या नहीं? हाँ वो सही है, लेकिन कोई सबूत नहीं है इनके पास। देखते रहो। कहने से तब भी कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई जज हम हैं। ठीक है, काम हो जाएगा। क्या बात है, बहुत देर कर दी आपने आने में। वैसे दुबे जी आपकी टीम बड़ी अजीब है, एक ने उस लड़के को बड़ी बेरहमी से मारा और एक ने उसे बेवकूफ बनाया, और आप दूर से तमाशे का लुत्फ लेते रहे। आप ही बता दीजिए कि हम अपनी गलती कैसे सुधार सकते हैं। आपके लिए 5 लाख। ठीक ठीक है सर, दे देंगे। भाई एक का 5, टोटल 15 लाख। नहीं नहीं सर, 15 लाख रुपए ज्यादा है। मैं तू ये जज एक नंबर का चिंदी है, मेरी बात कौन सुनता है इधर। दुबे जी आपके लिए 15 लाख ज्यादा नहीं है। आपने 15 लाख बोल दिया ना, मैं इंतजाम करता हूँ ना, करता हूँ मैं इंतजाम। तुमने उस बेईमान जज के घर पैसे पहुंचाए, उसने तुम्हारा साथ दिया और उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई, और अपनी जीत की खुशी में पार्टी भी करने लगे। मेरे पास तुम सबके रिश्वतखोरी के पक्के सबूत हैं। फैसला किया जाए। जी बाजी। ए ओ ओ भाऊ, हमको नंगा करके ना तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। क्या बोल रहा है? ये गेम है ना, ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। इसका सेटिंग है ना बहुत ऊपर तक चलती है। और ये सब नाटक बंद करो, मरोगे तुम। तुम लोगों ने मुझे मारने की बहुत कोशिश की है और भी करते रहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। क्या सजा मुकर्रर की जाए? माफ कर दो पाजी, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। कभी किसी से रिश्वत नहीं लूंगा, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे जाने दो प्लीज। ए दुबे चुप बैठ। ए बे तू चुप बैठ, समझा ना, तेरे वजह से फंसे हम लोग। भाई साहब आप इसकी बात मत सुनो, आप अपनी गलती मान लो और पाजी से माफी मांग लो। हाँ छोटू तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पाजी मुझे बात समझ में आ गई है कि ईमानदारी की जिंदगी जीनी चाहिए। हाँ मैं माफ कर दूँ। पाजी हमको हमारी गलती समझ में आ गई, सच्ची प्रॉमिस बोलता हूँ। ए चंद्रकांत बोलना।
हाँ चंद्रकांत बोल ना, मैं कह रहा हूँ बोल। ए क्या ये 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 पट्टा क्या को निकाला? पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा क्या तू? हाँ देख नया पट्टा लगता है। चंद्रकांत माफी मांग ले। मांग लो भाई, माफी मांग लो। सॉरी। हाँ इसने भी बोल दिया। मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं सॉरी बोल रहा हूँ। हुई ना गल पाजी, हम राह भटक गए थे, हम भूल गए थे कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। भूले भटके को सही राह पर लाना चाहिए और तुम्हारी राह शुरू होगी जेल से। सही रास्ते बोलने से नहीं बनते, उन पर चलने से बनते हैं। एक बार मौका देकर देखो। मौका चाहिए? एक शर्त पर। तुम्हें कुछ दस्तखत करने पड़ेंगे। दीजिए ना। करेंगे बिल्कुल, दस्तखत भी करेंगे ताकि वो बच्चा रिहा हो सके। किसको? वो अभिषेक को। पेपर ले जाओ, पेपर ले जाओ, अभी ले साइन करेंगे। पेपर लाओ, बच्चों को तो रिहा करना पड़ेगा। हाँ हाँ दो मुझे दो। चला कीमत करना, ठीक साइन करना। हाँ कर रहा, कर ये कर दी साइन, साइन कर दी है ना। बंदे बंदे ओ बल्ले 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 बल्ले। अब तो लगने लगा था कि वो सारी कहानियां जिनमें सच्चाई की जीत होती थी झूठी थी। पाजी की कही हुई बातें खोखली थी। अंत में यही सीखा हमने कि आज के जमाने में सच्चाई की नहीं झूठ और करप्शन की जीत होती है। रघु बहुत लेट हो गया है, घर चलो। Let's just go। मैं हार गया शीतल, मैं हार गया। मैं अजी से नजरें कैसे मिला पाऊंगा? रघु एक बात याद रखना, सच्चाई ना कभी नहीं हारती। भरोसा रखो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। Let's just go। आप ही बता दीजिए कि हम अपनी गलती कैसे सुधार सकते हैं। आपके लिए पांच एक का पांच। गिरफ्तार करो तीनों को। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। क्यों इंस्पेक्टर साहब, आप इस बार कैसे? आपके ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम गलत साबित हो चुके हैं। जिस आदमी ने आपके ट्रक में ड्रग्स छुपाए थे वो भी पकड़ा गया। ये हुई ना बात। आपका रिलीज ऑर्डर आ चुका है। वाह, आप जा सकते हैं पाजी। पर ये सब हुआ कैसे? ओए, एक बार पाजी जिसको अपना मान लेते हैं ना, फिर उसके सर की सारी मुसीबतें उड़ जाती हैं। मतलब पाजी आप जेल में रहते हुए भी हमारी मदद करते रहे? भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। ओ छड़ सारे डायलॉग शायलॉग वाला ठेका तो मैं ले रखे। ओए देखो 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 कौन आए ने। आगे चोरों की बारात, अगले देखो इनकी। अंत में यही अंजाम होता है, झूठ जेल के अंदर और सच्चाई जेल के बाहर। और अंदर जाकर सही और गलत का फर्क सीख लेना, और आइंदा किसी मासूम को परेशान करने से पहले ये दिन अच्छी तरह याद कर लेना।
आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। बहुत ऊपर तक जाता है ये मामला। बंद करो बकवास, उन्हें भी देख लेंगे। करप्शन की पहुंच कितनी भी क्यों ना हो, देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। ले जाइए इन्हें। तुम लोग को किड़ा है ना बहुत हीरो बनने का, मरोगे तुम लोग। चलो चलो अंदर जाके दाल पियो पानी वाली। थैंक यू पाजी, आपने दोबारा इतना बड़ा मौका दिलवाया ही है तो चमके स्ट्रगल करेंगे हम दोनों। क्यों पाजी? स्ट्रगल के दिन गए अब तुम्हारे, अब तो स्टार बनने के दिन है लाइक में। ओए तुम्हारा चब्बी चीक वाला गाना देख लिया बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी वाले ने, पाजी का बहुत अच्छा दोस्त है। ओए पागल हो गया देख के, पागल है। अब तो वीडियो एल्बम डन 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 डन। क्या बात कर रहे हो पाजी, सच्ची? विजिटिंग कार्ड छपवा लो मैनेजर भाई रंगीला। क्यों पाजी? बल्ले बल्ले रंगीले। पाजी अब तो थैंक यू के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं मेरे मुंह से आपके। और मैं कुछ नहीं कीता, टैलेंट हीरे की तरह होता है, एक न एक दिन उसकी चमक सब देख लेते हैं। जाओ दुनिया में अपनी चमक दिखाओ, लेकिन अपने पाजी नु कदे नहीं भूलना। कैसी बात है पाजी। जियोंदे रहो, जियोंदे रहो। ओके बाय। ओके खुश रहो, खुश रहो। क्यों भाई कमर कसला? पूरी पाजी, काम बहुत करना है, सफाई तो अभी शुरू हुई है। वाह, सोच के भी डर लगता है कि अगर शेरा पाजी जैसे लोग इस दुनिया में नहीं होते तो चंद्रकांत और दुबे ब्रदर्स की जगह मेरा दोस्त अभिषेक जेल में होता। पर जब तक शेरा पाजी जैसे लोग इस देश में रहेंगे, सच्चाई हमेशा जीतती रहेगी, जैसे हम जीतते चले गए। और उन्हीं के दिए हुए एक मौके से आज हम दोनों इतने बड़े स्टार्स बन गए। देखना चाहते हो कितने बड़े स्टार्स? जाने क्यों दे यारों,
सही पहचान।